नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अनुराग मिश्रा राज है और मैं ड्रामा टेक ऑफ अमेरिका की ओर से आप सबका आज इस वर्चुअल काव्य गोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो। हमारी प्रेरणा दुष्यंत कुमार जी की एक कविता से आई है, जो कहते हैं, आओ देखें एक छोटी सी पगडंडी कहाँ पहुंच सकती है, भय की जमीन पर निश्चय की ईंट कैसे एक सृष्टि रह सकती है। इसीलिए हम लोग इस तनाव और अकेले भरे वातावरण में आप सबके साथ मिलकर एक वर्चुअल काव्य गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। मैं ड्रामा टेक की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और 2 मिनट आपको ड्रामा टेक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ड्रामा टेक, आप जैसा जानते हैं, शिकागो में बेस्ड एक शौकिया नाट्य दल है। हम एक समूह है लोगों का जो बहुत उत्साही हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के, भारतीय संस्कृति के, हिंदी भाषा और दूसरी देशी भारतीय भाषाओं के लिए। तो हम लोगों ने ड्रामा टेक की शुरुआत हुई थी सन 1984 में दिल्ली में, आईआईटी दिल्ली में, और हमारे जो संस्थापक हैं उनमें से 2 लोग शिकागो में यहाँ पहुंच गए और 2015 से हम लोग यहाँ सक्रिय हो गए हैं। पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने 7 नाटक प्रस्तुत किए हैं। ड्रामेटिक ऑफ अमेरिका एक नॉट फॉर प्रॉफिट की तरह भी रजिस्टर्ड है और हमारा उद्देश्य है कि हम भारतीय संस्कृति, हमारी समृद्ध रंगमंच की परंपरा और दूसरी ललित कलाओं को भारतीयों तक और यहाँ के दूसरे लोगों को भी प्रस्तुत करे जाएं। पिछले 7 वर्षों में हमने जो कुछ नाटक प्रस्तुत किए हैं उनकी आपको एक जानकारी दे दूं। हम लोगों ने शुरू किया था हरिशंकर परसाई जी के एक नाटक इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, और हम दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं से भी बहुत जुड़े हुए हैं, तो बंगाली के एक नाटक फांसी का अनुवाद हिंदी में किया गया था जिसने हमने प्रस्तुत किया। एक और बंगाली का नाटक मनोज मित्रा जी का था, हनुमहमन में हंगामा, उसे भी प्रस्तुत किया हम लोगों ने सन 2018 में। इसके अलावा पिछले वर्षों में हमने और 3 नाटक प्रस्तुत किए हैं जिसमें बल्लभपुर की रूप कथा शामिल है जो बंगाली का अनुवाद है, सुपारी.com जो एक मराठी नाटक का अनुवाद है वो यही अनुवाद करके हमने उसे हिंदी में प्रस्तुत किया था, और गुड बाय स्वामी जो हिंदी का नाटक है। इसमें सारे कलाकार जो हैं हमारे सब शौकिया हैं और आप ही जैसे लोग, आप ही की तरह हम लोग अपने अपने जीवन में दूसरे दूसरे व्यवसायों और अध्यवसायों में जुड़े हुए हैं, पर सिर्फ रंगमंच के प्रेम के कारण इसमें निशुल्क काम करते हैं स्वयं सेवी के रूप में। तो आप लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा इस कार्यक्रम के अलावा हमारा अगला कार्यक्रम एक है जो स्टेलर थेस्पियंस के नाम से, जो प्रसिद्ध हमारे जो नाटक के रंगमंच के मनीषी हैं भारत के, उनके ऊपर अगला कार्यक्रम 23 मई को होगा श्री गिरीश कर्नाड जी के ऊपर, तो ज्वाइन करना ना भूलिएगा। इस इंट्रोडक्शन के साथ अब आते हैं आज के कार्यक्रम में। तो हमारा ये सौभाग्य है कि आज हमारे साथ श्री अमित कुमार जी हैं जो इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अमित कुमार जी ने अभी हाल ही में ही शिकागो के कौंसलावास का भार संभाला है और वो आए हैं और इतने कम समय में वो सारे भारतीय समुदाय के साथ बहुत शिद्दत से जुड़ गए हैं और ऐसा लगता है वो हमारे एक साथी हैं और उनका बहुत बहुत सहयोग है हमारे। तो मैं श्री अमित कुमार जी को निमंत्रित करूंगा कि हमें उद्बोधित करें, अपनी कुछ रचना प्रस्तुत करें और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। अमित कुमार जी को अनम्यूट करना पड़ेगा। अमित कुमार जी अनम्यूट कर लीजिए सर।
बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। सर्वप्रथम मैं ड्रामेटेक ऑफ अमेरिका आपको और आपके साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जो जिन्होंने इस कार्यक्रम को के आयोजन के लिए पहल उठाई है। ये वर्चुअल हिंदी काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जैसा कि अनुराग जी ने आप सभी को बताया, ड्रामेटेक ऑफ अमेरिका शिकागो का एक नॉट फॉर प्रॉफिट शौकिया कलाकारों का संगठन है जो हिंदी के प्रतिभाशाली कवियों और शायरों को अपनी मौलिक रचनाएं साझा करने का एक अवसर प्रदान करता है। इस संस्था का उद्देश्य भारतीय एवं दक्षिण एशियाई क्षेत्र के विषयों पर आधारित शास्त्रीय व लोकप्रिय रंगमंच को अमेरिका में प्रस्तुत करना है। इस संस्था ने विगत कुछ वर्षों में न केवल हिंदी बल्कि अन्य भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में नाटकों का सफलतापूर्वक मंचन किया है। इससे हिंदी तथा अन्य भाषाओं के साहित्य के प्रचार व प्रसार में निसंदेह महत्वपूर्ण योगदान मिला है। मैं संक्षेप में हिंदी और हिंदी साहित्य के प्रचार प्रचार में जुड़ी हुई कुछ अन्य संस्थाओं का भी उल्लेख करना चाहूंगा। ड्रामेटेक ऑफ अमेरिका के अलावा बालोदय, हिंदी गुरुकुल, बाल विहार शिकागो, हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय, मंडी थिएटर, पानीपुरी रेडियो और इसके द्वारा संचालित एकजुट थिएटर इत्यादि संस्थाएं अपने अपने तरीकों से हिंदी और अन्य भाषाओं के विभिन्न विधाओं के प्रचार प्रसार में तल्लीनता से लगी हुई हैं और निरंतर प्रयत्नशील हैं। इसके लिए भारतीय कॉन्सुलेट आप सभी लोगों का बहुत आभारी है। आप लोगों की अनुमति के साथ मैं एक हरिवंश राय बच्चन की एक कविता पढ़ना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में आए कलाकारों की प्रस्तुतियां आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएंगी तथा जैसा कि अनुराग जी ने बोला, आज के एकांत तो तनावपूर्ण COVID-19 के इस वातावरण में आप सभी के तनाव को कम भी करेंगे। सो आज की इस शाम वर्चुअल काव्य गोष्ठी कुछ अपनी कहो कुछ मेरी सुनो का हम लोग आनंद उठाएं। सो आप लोगों की अनुमति के साथ मैं हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत ही मशहूर कविता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, एक बार पढ़ना चाहूंगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोता खार लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौटा कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इन्हीं शब्दों के साथ ड्रामेटेक ऑफ अमेरिका को इस आयोजन के सफलतापूर्व संपन्न होने की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित कुमार जी आपके प्रेरक शब्दों के लिए और बहुत ही उपयुक्त कविता आपने हमारे साथ साझा की, प्रेरणादायक है। ये हमारा पहला प्रयास है इस वर्चुअल काव्य गोष्ठी में, तो जैसा आपने कहा है अगर कुछ त्रुटियां हो तो क्षमा कीजिएगा, पर हमारा प्रयास है
कि ये एक ऐसा मंच बन सके जिसमें हम सारे प्रतिभाशाली और रचनात्मक लोग हैं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इस वातावरण में भी काम करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंत कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले मैं निमंत्रित करना चाहूँगा शिकागो की एक बहुत पुरानी और वरिष्ठ हस्ती श्रीमती गुरचरण कौर नीलम जी को। गुरचरण जी पिछले 10 वर्षों से अत्यंत सक्रिय हैं हिंदी की सेवा में शिकागो एरिया में। उन्होंने 10 साल पहले हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय की संस्थापना की और आज उसकी अध्यक्षा भी हैं। इस क्लब के माध्यम से उन्होंने हिंदी भाषा के प्रसार प्रसार में निरंतर प्रयास किए, जिसमें निःशुल्क कक्षाएं, हिंदी पुस्तकालय, काव्य गोष्ठियां और वार्षिक हिंदी दिवस शामिल हैं। इसके अलावा गुरबचन जी को बचपन से कविताएं लिखने का शौक है और उनका एक काव्य संग्रह जुगनू प्रकाशित हो गया है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज गुरबचन जी हमारे साथ हैं। गुरबचन जी, आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं कौंसल जनरल अमित कुमार जी तथा कौंसल रंजीत जी का हार्दिक अभिनंदन करते हूँ तथा ड्रामा टेक अनुराग जी के और ड्रामा टेक की पूरी टीम का इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए, मुझे आमंत्रित करने के लिए भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। समय को ध्यान में रखते हुए अपनी 3 छोटी रचनाएं प्रस्तुत कर रही हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। मेरी पहली कविता आज के हालात पर लिखी गई है, किंतु मैंने यह प्रकृति के नजरिए से लिखी है। सुनिएगा। मैं प्रकृति हूँ, मैं सालों से रोती आई हूँ, कितने अपनों को खोती आई हूँ। मैं वह गंगा हूँ जो सबके पाप धोती आई हूँ, मैं वह राह हूँ जो तुम्हारे हर भार को ढोती आई हूँ। पर फिर भी मैं कितने तुम्हारे दिए कष्टों में खुद को खोती आई हूँ। कारखानों से तुम्हारे आकाश मचलित होता रहा, बिन सोचे बिन समझे तुम्हारे फेंके कचरों से दुखित नदियां और समुन्दर तुम्हें कोसता रहा। जंगल से जंगल काट दिए, जंगल के जंगल काट दिए, शहर तुमने बनाने को, क्रोध से भरी धरती जलती रही श्राप तुम्हें सुनाने को। पर आज अचानक ही मैंने मुस्कुराते खुद को पाया है, यह भ्रम है मेरा या सच है, आज कोई इंसान नजर नहीं आता है। नदियां खिलखिला रही हैं, आसमां भी मुस्कुराता है, न मशीनों की का धुआं न गाड़ियों की भगदड़, यह कैसा सौभाग्य मैंने पाया है। मैं प्रकृति हूँ, शायद ईश्वर ने मुझे फिर से गले लगाया है। मैं प्रकृति हूँ, मैंने फिर से सुख पाया है। धन्यवाद। दूसरी कविता का नाम जुगनू है, और जो मेरी काव्य गोष्ठी काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है उसकी शीर्षक कविता है। इसे थोड़े लय में बोलने की कोशिश की है, सुनिएगा। घनघोर तम जब छाता है जग बेसुध हो जाता है, घनघोर तम जब छाता है जग बेसुध हो जाता है, तब ये कौन रोशनी लेकर, तब ये कौन रोशनी लेकर किसे ढूंढने आता है। घनघोर तम जब छाता है, एक नहीं दो नहीं यहाँ तो हर दिन की ये बात है, जाने कैसी आस है या कोई मुलाकात है। शायद कोई दिल का मारा, शायद कोई दिल का मारा प्रेसी ढूंढने जाता है, या फिर कोई भटका राही मंजिल पाने आता है। जगमग करती बाती लेकर, जगमग करती बाती लेकर चलता जाता है दीवाना, कहाँ मिलेगी मंजिल मेरी क्या ये सोचे परवाना। लोग तुम्हें कहते हैं जुगनू, लोग तुम्हें कहते हैं जुगनू, पर मैं कहती मजनू, मैं भी तुझसे भटक रही हूँ व्यथा तुम्हारी पहचानू। घर घोर तम जब छाता है। मेरी तीसरी कविता है, ये कल्पना है मेरे बुढ़ापे की, साथ जन्म जन्म का। 90 की थी मैं, 95 का वो,
90 की थी मैं 95 का वो लाठी पकड़ी मैंने व्हील चेयर पे वो 90 की थी मैं 95 का वो लाठी पकड़ी मैंने व्हील चेयर पे वो मैं जाती थी थक साहस देता वो दांत निकालू मैं सॉल्यूशन में डाले वो कभी आंख नम हो मेरी रुमाल निकाले वो खाना बनाऊं मैं निवाला डाले वो नींद ना आए मुझको लोरी सुनाए वो पर हाज हुआ कुछ ऐसा सह न पाया वो निष्प्राण देख मुझे कुछ बोल न पाया वो न आंखें हुई नम न रो भी पाया वो व्हील चेयर धकेल कर मुझ पर गिरा वो क्षण भर में ही अपना दम तोड़ गया वो यही है कहानी हमारी जिसे लिख गया वो आगे आगे मैं गई पीछे आया वो। श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तीन कविताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गुरबचन जी का, बहुत अच्छा लगा आपकी कविताएं सुनकर। आपकी कविताएं हमेशा प्रेरणा देती हैं। आपकी कविताओं में प्रकृति के बारे में जो चित्रण है और उसकी भावनाओं का बहुत ही सुंदर लगा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच ये समय प्रकृति को के पास जाने का और उसको और नज़दीक से जानने का मिल रहा है हमें, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे मैं आमंत्रित करना चाहूँगा शिकागो के एक और मूर्धन्य कवि श्री राकेश मल्होत्रा को। राकेश जी एक बहुत आयामी व्यक्तित्व हैं और आप में से काफ़ी लोग राकेश जी से परिचित भी होंगे। शिकागो में वो कई सारी गतिविधियों में सक्रिय हैं। उनका अपना बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं। इसके अलावा एक जाने माने अभिनेता और लेखक हैं। उनकी किताबें लिखी हुई हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं। उन्होंने कई भाषाओं में नाटक किए हैं और उसके साथ समाज में और हमारे समुदाय में हिंदी भाषा के भारतीय संस्कृति और भारतीय वैल्यूज को और बढ़ाने और उसका प्रसार करने के लिए कई सारी गतिविधियों में वो बहुत सक्रिय हैं और नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर सुनीता मेहरोत्रा अपनी पत्नी हैं उनकी, उनके साथ वो लिंकन शायर में रहते हैं। उनकी कई सारी जानी मानी कविताएं हैं, चुप रहने से क्या होगा, आत्मविश्वास, तारीख न हो नारी का सम्मान करो, नर हो नारी का सम्मान करो, उसमें कई सारे सामाजिक संदेश भी हैं। तो राकेश जी आपका स्वागत है, आपकी कविता प्रस्तुत करिए। धन्यवाद अनुराग जी, आप सभी का आज की कवि गोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जो लोग अमेरिका के विभिन्न राज्यों से और भारतवर्ष के अनेक राज्यों से जो फेसबुक लाइव पे जुड़ रहे हैं, उन सबको मैं ड्रामाटेक की तरफ से उनका आभार व्यक्त करूंगा। और इस मौके पे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अमित कुमार जी का, जिन्होंने समय निकाला और हमें प्रेरित किया और एक बहुत ही प्रेरक कविता से इस कवि गोष्ठी का श्री गणेश किया। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि COVID-19 के दौर की कठिन समय में भारतीय कौंसल आवास में कौंसल जनरल व सभी सदस्यों ने एक बहुत सराहनीय कार्यक्रम किया है और जहां जिसको जरूरत पड़ी उसकी मदद करने के लिए हमेशा अग्रणी रहे हैं। अमित कुमार जी, आपका और आपके सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जब हम कवि गोष्ठी कर रहे हैं तो आज महाराष्ट्र दिवस है, आज गुजरात दिवस है, आज मजदूर दिवस है। मेरी सभी को शुभकामनाएं और मैं चाहता हूं कि इन दिवसों की सार्थकता सदैव बनी रहे। आज जब दुनिया एक कठिन दौर से गुजर रही है, ऐसे में जरूरत है हिम्मत की, आशा की, और यही संदेश अमित जी ने दिया अपनी कविता के पाठ के दौरान। और मेरी जो कविता है उसकी प्रेरणा दो कवियों से है, रामधारी सिंह दिनकर जिनकी कविता, जिनकी एक पुस्तक रश्मि रथी के तृतीय सर्ग की कुछ लाइनें हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो आज हम सबको जरूरत है आशा की और इस कवि गोष्ठी के थ्रू हम लोग चाहते हैं कि वी शुड ऑफर होप। ह्यूमैनिटी नीड्स इम्यूनिटी एंड कम्युनिटी इज इम्यूनिटी। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम होप, पीस और हैप्पीनेस का संदेश दें।
और मैथिली शरण गुप्त की एक पंक्ति है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो मेरी तीन छोटी कविताएं हैं और समय का ध्यान रखते हुए मैं प्रयास करूंगा कि 5 मिनटों में उसको कंप्लीट करूं। कविता का शीर्षक है चुनौती और पुरुषार्थ। दुनिया बदली हुई सी दिखती है, डरी सहमी बेचारी सी लगती है, परिवर्तन जीवन का नियम है, क्रम यही है संसार का, सृष्टि के आधार का, आत्मचिंतन मंथन और विचार का, लेकिन जो होता है विधाता का रचा होता है, आपदा में ही तो परीक्षण पुरुषार्थ का होता है, अनिश्चितता में ही जन्म नए अवसर का होता है, परम योगी नहीं कभी रोना भाग्य का रोता है, कर्मयोगी विश धारण करके ही अजय होता है, निस्वार्थ सेवा ही परम उसका धर्म होता है, मानवता का बोध दया और करुणा होता है, संवेदना और विनम्रता ही अच्छे नेतृत्व की पहचान होता है। जीवन जब मानवता को खुली चुनौती देता है, मानव तब कठिनाइयों को आड़े हाथों लेता है, ईश्वर जब हमारे हौसलों को आजमाता है तो आस्था और विश्वास और मजबूत हो जाता है। समस्या जब जटिल हो, समय कठिन हो, पहले मैंने बात करी पुरुषार्थ की, चुनौती की, अब मैं बात कर रहा हूं पुरुषार्थ की। समस्या जब जटिल हो, समय कठिन हो, तो खुद कठिन बनने का साहस करो, उठकर फिर चलने का प्रयास करो। जिंदगी जब बोझिल हो, रास्ता आंखों से ओझिल हो, तो मन को आशा का संग दो, भाग्य को कड़ी मेहनत से रंग दो, योग्यता पर अपनी तुम और अधिक विश्वास करो, निराशा के क्षणों में आशा का संचार करो, सामना चुनौतियों का करना सीखो, आत्मबल को इच्छा शक्ति से सींचो, क्षमता और शक्ति का विस्तार करो, सफलता का एक नया रास्ता तैयार करो, जब आशा का दीप जलेगा तो विपत्ति का अंधेरा छटेगा, उज्जवल फिर नया सवेरा होगा, सुनहरा आने वाला हर दिन होगा। मेरी दूसरी कविता है विश्वास। जिंदगी तेरी गहराइयां समंदर से कोई कम है, भीतर अपने छुपाए जमाने भर के गम है, साए तूफानों के जिंदगी में हर कदम है, तेरा सजदा तेरी इबादत मेरी सांसों में हर दम है, आसरा है एक तेरी रहमत का, न कोई दहशत न कोई डर है, तुझको देखा नहीं कभी, तेरा अकीदा ही मेरा हम सफर है, चुनौतियों से कह दो, चुनौतियों से कह दो न टकराए हमसे, हौसले हमारे अभी तूफानों ने देखे किधर हैं, मुश्किलों से क्या घबराना, रगों में दौड़ता खून जब तलक है, तकदीरों को जो बदल दे उस जिद और जुनून की तलब है, मिलती हैं मंजिलें इम्तिहानों से गुजर कर, सोना बनता है कुंदन आग में ही तपकर। मेरी तीसरी कविता निश्चय कर अपनी जीत करो। मंजिलें कब परवाह करती हैं रास्तों की, बुलंद हौसले से ढह जाती हैं इमारतें रुकावटों की, जुनून को चाहिए तड़प आसमां को छू जाने की, मुश्किलें चाहे फिर सफर में कितनी हो रास्तों की, कर्म करो कल पर ना छोड़ो आगे बढ़ो आज ही, वक्त कभी रुकता नहीं किसी के वास्ते भी, चुनौतियों से कह दो ना चुनौतियों से ना घबराओ, लहर बन के सागर से टकराओ, इतिहास साक्षी है पत्थरों पे भी, पत्थरों से भी समुद्र पर पुल बनाया था कभी, संकल्प मजबूत है तो निश्चित है सफलता, सोच ऊंची होनी चाहिए लक्ष्य को पाने की, ना रोक सकती है कोई बाधा जमाने की, प्रतिबद्धता अगर हो चांद पर तिरंगा फहराने की, मंजिलें कब परवाह करती हैं रास्तों की, बुलंद हौसलों से कह ढह जाती हैं इमारतें रुकावटों की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत राकेश जी, बहुत सुंदर और प्रेरक उद्गार आपके भावना कविता की। इन सारे ऐसे वातावरण में भी हतोत्साही न होकर प्रयास करने के लिए आपकी कविता सुनकर
मुझे नीरज जी की चार पंक्तियां याद आ गईं। उन्होंने कहा था, फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से रसधार भी निकल सकती है, इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है। तो आशा है हम सब के पुरुषार्थ से हम इस समय से गुजर के एक खुशनुमा कल की ओर बढ़ेंगे। आगे हम चलिए अगली प्रस्तुति के लिए। मैं आमंत्रित करूंगा श्री अरुण करकरे और श्रीमती जयश्री करकरे को, जो हमारे साथ हैं। हमारा सौभाग्य कि वो यहाँ हैं, क्योंकि हमारे एक साथी प्रबोध और संगीता जी के वो पेरेंट्स हैं। मूलतः ये अंकल दोनों ग्वालियर में रहते हैं, पर संयोगवश और हमारे सौभाग्य से वो यहाँ है। वैसे कई बार वो डेट्रॉयट में रहते हैं, पर अभी शिकागो में हैं। अरुण जी और जयश्री जी दोनों नाटकों, संगीत और दूसरे सारे इस तरह के कार्यक्रमों में बहुत रुचि लेते हैं, और उसके साथ कई समय से इन प्रस्तुतियों में भाग लेते हैं। पिछले साल आप दोनों ने, जब हम लोगों ने हिंदी क्लब के कार्यक्रम में प्रस्तुत किया था, तो उसमें भी प्रस्तुति दी थी। तो बहुत बहुत स्वागत करूंगा श्री अरुण करकरे और श्रीमती जयश्री करकरे का। प्लीज नमस्कार। जैसा कि अभी अनुराग जी ने कहा कि मैं और हम लोग ग्वालियर से हैं, मध्य प्रदेश से, तो आज मैं थोड़ा हास्य रस की ओर आपको ले चलता हूँ। हमारे एक ग्वालियर के ही बड़े प्रसिद्ध कवि थे, गुजर गए अभी 2 साल पहले, श्री प्रदीप चौबे। उनकी ये एक रचना मैं आज प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्रदीप चौबे जी जो थे, बड़े लंबे चौड़े कद के, और बल्कि उनके पर्सनालिटी कहने के बजाय पर्सनालिटा थे वो, तो उनके बारे में क्या बताएं। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, मेरी शव यात्रा वगैरह, तो आज मैं उनकी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, भारतीय रेल। और ये घटना उन दिनों की है, कुछ बुजुर्ग लोग जानते होंगे कि किसी जमाने में भारतीय रेल में वो खिड़कियों में सरिये नहीं हुआ करते थे, और लोग बाग खिड़की से ही अंदर प्रवेश करते थे डिब्बों में, एक जमाना था। उस जमाने की ये रचना मान के चल रहे हैं, भारतीय रेल, ये उनकी प्रदीप चौबे जी की रचना है। सुनिए कि भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हमें भी करनी थी यात्रा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर देख सवारियों की मात्रा, हमारे पसीने छूटने लगे और हम घर की ओर फूटने लगे। तभी एक कुली आया, बोला अंदर जाओगे? हमने कहा तुम पहुंचाओगे? वो बोला साहब बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा दूंगा, लेकिन रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा 50 रुपया? वो बोला हाँ भैया, 2 आपके बाकी सामान की। हमने कहा यार हमारे पास सामान नहीं है, सिर्फ एक झोला है। वो बोला साहब आप किस सामान से कम है, देखते नहीं है भीड़ कितनी है? कंधे पे बिठाना पड़ेगा, खिड़की के रास्ते पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बतलाओ। हमने कहा देखी जाएगी, तुम उठाओ। कुली ने हमें कंधे पे बिठाया, बजरंगबली का नारा लगाया, और जैसे ही उठाना चाहा कि खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। फिर हमसे बोला साहब हम क्या खाकर आपको उठाएंगे, आपको उठाते उठाते तो खुद दुनिया से उठ जाएंगे, आपको तो भगवान ही उठा सकता है। इतने में दोस्तों गाड़ी ने दी सीटी, हम झोला उठा करके धाए, बड़े मुश्किल से डिब्बे में घुस पाए। डिब्बा अपने आप में हल्दी घाटी का मैदान था, कोई खड़े थे, कोई बैठे थे, कोई लेटे थे, जिन्हें जगह नहीं मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे। हमने एक गंजे यात्री से कहा भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए, थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। तो वो बोला आइए हमारे खोपड़ी पे बैठ जाइए, आप ही के लिए साफ की है, 2 रुपए दे देना, लेकिन फिसल जाओ तो हमसे मत कहना। इतने में खिड़की के रास्ते एक बोरा चढ़ा और सीधा गंजे के ऊपर गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया किसका बोरा है, किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया। उसमें से एक लड़का निकलता हुआ बोला कि सिर्फ बोरा नहीं है, इसमें 12 साल का छोरा भी है, और आप तो इतने में घबरा रहे हैं, जरा ठहर तो जाइए, गद्दे में लिपट के हमारे बाप भी अंदर आ रहे हैं, अंदर आने का यही एक रास्ता है,
और हम तो खड़े भी हैं, वो तो सीधा आपके गोदी में लेट जाएंगे। इतने में गंजे के सिर पर पड़ी पानी की गरम गरम बूंदे, इतने में गंजे के सिर पर पड़ी पानी की गरम गरम बूंदे, गंजा चिल्लाया है, कौन पानी फैला रहा है, देखते नहीं तुम्हारा बाप नीचे बैठा है। ऊपर से एक महिला की आवाज आई, पानी नहीं है, हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है, और आप अपना सिर भी बगल में कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा है, पता नहीं क्या परोस दे। इतने में एक सज्जन चिल्लाए, हाय हाय मेरा बटुआ, पूरे 500 से उतार दिया। दूसरे बोले, बेटा भूमिका मत बनाओ, WT जा रहे हो तो हमसे हाथ मिलाओ, WT यानी विदाउट टिकट। बेटा भूमिका मत बनाओ, WT जा रहे हो तो हमसे हाथ मिलाओ। वो बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं इस देश का एक शिक्षक हूँ। दूसरे बोले, आज तक इतिहास में ऐसा मजाक नहीं हुआ, शिक्षक और बटुआ, मेरा विषय तो भूगोल है। वो बोला, इसीलिए बेटा तुम्हारा बटुआ गोल है। इतने में डिब्बे में हुआ हल्का सा उजाला, इतने में डिब्बे में हुआ हल्का सा उजाला, किसी ने जुमला उछाला, ये किसने बीड़ी सिलगाई है। हमने कहा, बीड़ी नहीं है, डिब्बे में पहली बार लाइट आई है। एक सज्जन बोले, तो फिर पंखे कहाँ है। हमने कहा, जहां नहीं होने चाहिए वहां है। जानते नहीं भारतीय रेल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, कोई राष्ट्रीय चोर अपना हिस्सा ले गया है। आपको ले जाना हो तो आप भी ले जाओ, लेकिन जेब में जो बल्ब रख लिए हैं उसमें से एक हाथ तो दे जाओ। इतने में बर्थ के नीचे से एक नौजवान बाहर निकलता हुआ फिल्मी अंदाज में बोला, मैं कहां हूं। हमने कहा, बेटा शुक्र करो कि हो, वरना कल रेलवे कर्मचारी पूछते कि ये कौन था। इतने में गाड़ी में लगा एक हल्का सा झटका, एक सज्जन चिल्लाए, चली चली। दूसरे बोले, या अली। तीसरे बोले, जय बजरंग बली। हमने कहा, भैया काहे के अली और काहे के बली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है। ये जिंदगी भी ऐसी ही एक गाड़ी है दोस्तों, यहाँ भी बड़े बड़े धोखे होते हैं, बड़े बड़े धोखे होते हैं, बड़े बड़े धोखे होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, बहुत प्रेरक और बहुत रोचक लगी आपकी ये कविता। सचमुच एक चित्र छक जा हमारी आंखों के सामने भारतीय रेल में यात्रा करने के लिए। अब मैं श्रीमती करकरे से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी कविता सुनाएं। विनम्र अभिवादन सबको मेरी ओर से, रसिक जनों, प्रिय श्रोताओं और मेरे साथी कवि मित्र गुणीजन, सबको मेरा प्रणाम। यूं तो जिंदगी बड़ी खुशहाल सुख शांति से चल रही थी, मगर एक भयंकर घटना, एक आंधी, एक संकट आया और सारी दुनिया में एक डर, एक खौफ, अशांति, तनाव सा फैल गया। हमें मजबूर किया सोचने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों। हम आशंकित हो गए और हमारा जीने के प्रति, हमारे जिंदगी के प्रति प्रेम, लगाव और भी बढ़ गया। फिर जिंदगी ने हमारा हाथ थामा, हमें आश्वस्त किया और वो बोली, मेरी कविता का शीर्षक है, जिंदगी ने मुझसे कहा। हमारे पूना के परम मित्र श्री अनिल दांडेकर जी की संकलित कविता है ये। जिंदगी ने मुझसे कहा, जिंदगी ने मुझसे कहा, उड़ने दो मिट्टी को, आखिर कब तक उड़ेगी, हवा जब साथ छोड़ेगी तो जमीन पर ही गिरेगी। जिंदगी ने मुझसे कहा, बहुत मुश्किल नहीं जिंदगी की सच्चाई को समझना, बहुत मुश्किल नहीं जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो, जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो, कभी खुद को भी तोलना, कभी खुद को भी तोलना। जिंदगी ने मुझसे कहा, जिंदगी ने मुझसे कहा, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है,
जीने की चाहत होनी चाहिए। हर गम खुशी में बदलेगा, हर गम खुशी में बदलेगा, बस मुस्कुराने की आदत चाहिए। जिंदगी ने मुझसे कहा, ख्वाब भले ही टूटते रहे मगर हौसले फिर भी जिंदा हो। ख्वाब भले ही टूटते रहे मगर हौसले फिर भी जिंदा हो। हौसला अपना ऐसा बुलंद रखो कि मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। जिंदगी ने मुझसे कहा, जिंदगी ने मुझसे कहा, नाराज न होना कभी ये सोचकर, नाराज न होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। जिंदगी ने मुझसे कहा, जिंदगी ने मुझसे कहा, हर पतंग जानती है उसे अंत में नीचे ही आना है। हर पतंग जानती है उसे नीचे ही आना है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान को छूकर देखना है। उससे पहले उसे आसमान को छूकर देखना है। जिंदगी ने मुझसे कहा, जिंदगी ने मुझसे कहा, अहंकार की बस एक ही खराबी है, अहंकार की बस एक ही खराबी है, ये तुमको कभी महसूस ही होने नहीं देती कि आप भी कभी गलत हो सकते हैं। वो तुमको महसूस होने नहीं देती कि आप भी कभी गलत हो सकते हैं। जिंदगी ने मुझसे कहा, जिंदगी ने मुझसे कहा, जो अच्छा लगे उसे गौर से मत देखो, जो अच्छा लगे उसे गौर से मत देखो, ऐसा ना हो कि उसमें तुम्हें कोई बुराई नजर आ जाए। और जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, मुमकिन है उसमें कोई अच्छाई नजर आ जाए। जिंदगी ने मुझसे कहा, जिंदगी ने मुझसे कहा, थोड़ा सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए, थोड़ा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। ज्यादा झुके तो दुनिया पीठ को ही पायदान समझ बैठती है, ज्यादा झुके तो दुनिया पीठ को ही पायदान बना लेती है। जिंदगी ने मुझसे कहा, किसी में कोई कभी दिखाई दे तो उससे बातें करो, किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बातें करो, पर अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बातें करो, अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बातें करो। जिंदगी ने मुझसे कहा, जिंदगी ने मुझसे कहा, रख खुद पर भरोसा, रख खुद पर भरोसा, क्यों ढूंढता है फरिश्ते, रख खुद पर भरोसा, क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंछियों के पास कहां होते हैं नक्शे, पर फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं रास्ते। जिंदगी ने मुझसे कहा। तो मेरे दोस्तों, ये जिंदगी बहुत सुंदर है, उसे सवारना सजाना ये हम सबका दायित्व है। आप सब सुरक्षित रहो, खुशहाल रहो, खुद जियो, औरों को भी जीने दो, यही हमारी जिंदगी का रास्ता है। हम सबको इस अमन में शांति और सुख लाना है। आज इस माध्यम से जुड़ने के लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद, और मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद जयश्री जी, बहुत बहुत सुंदर उद्गार, प्रेरणादायक, ऐसे कठिन समय में बहुत अच्छा लगा। याद आ गई चार पंक्तियां, कौन यहाँ आया था, कौन दिया बाल गया, सूनी घर देहरी में ज्योति सा उजाल गया। बस आपके शब्दों ने हमारे हृदय में वैसी ही भावना जगाई है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे युवा पीढ़ी के कवि को, जो शिकागो में भी नवोदित हैं, कुछ ही महीने हुए हैं पर इतने आत्मीय हो गए हैं कि लगता है उन्हें कई वर्षों से जानते हैं, प्रवीण राय जी, जो भारतीय संस्कृति, हिंदी और संस्कृत साहित्य में बहुत रुचि रखते हैं। उनकी सारी कविताएं काफी भारत के समाचार पत्रों में छपती रहती हैं,
सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं। मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, आमंत्रण कर देता हूं प्रवीण राय जी को। जी नमस्कार, आदरणीय काउंसलर जनरल जी, रंजीत सिंह जी एवं अनुराग जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और राकेश मल्होत्रा जी और सभी गुणीजन जो यहाँ बैठे हो, उन सबका स्वागत है। मैं अपनी कविता, पहली कविता माना अंधेरा है गना, यह कविता मैंने कोविड को दिमाग में रख के ही लिखी है। एक्चुअली ज्यादा पुरानी नहीं है, जस्ट वीक अगो, इससे ही शुरू करता हूँ। तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करता हूँ। माना अंधेरा है घना, यह विराट है बना। माना अंधेरा है घना, यह विराट है बना। किंतु सूर्य आएगा, फिर विश्व जगमगाएगा। विस्तृत और विराट हो, अंधेर स्याह रात हो, चीर देंगी रश्मियां जब सूर्य का प्रकाश हो। कितना भी तू हो घना, कैसे भी तू है बना। किंतु सत्य जान ले, गर मनुज ये ठान ले। उखाड़ देंगे दम्ब यह, बस यही तू मान ले। तूने किया अस्त व्यस्त, हर कोई यहाँ है त्रस्त। किंतु रात आएगा, अंधेर को भगाएगा। बस कुछ एक और क्षण, ध्वंस तू मचाएगा। माना कठिन है यह डगर, किंतु यह भी हो खबर कि जितना सख्त रास्ता, उतनी सुहानी हो सहर। सुहानी सुबह आएगी, ये तुमको बोल जाएगी। प्रहरी यह मनुष्य को, प्रकृति अब बचाएगी। प्रज्वलित होंगे दिए की, तमको है धिक्कारते। घोर करें गर्जना, मनुष्यता पुकारते। दूर जाओ अब यहाँ से, तुमको दुत्कारते। प्रतिपल प्रतिक्षण अब है हुंकारते। माना अंधेरा है घना, यह विराट है बना। किंतु सूर्य आएगा, फिर विश्व जगमगाएगा। धन्यवाद, ये मेरी पहली कविता थी। अब इसके बाद में दूसरी कविता भाई अभिनंदन जी के स्वागत में मैंने लिखी हुई थी, जब वो अपना मिराज से MiG-21 से F-16 को करके आए थे, तहस नहस तब की है ये कविता। तो भाई अभिनंदन जी और देश को समर्पित है। आरंभ है प्रचंड यह, समर शेष अनंत का। सोडश मिला धरा से यह, कोप एक विंश का। सोडश F-16, सोडश मिला धरा से है, कोप एक विंश का। एक विंश एज MiG-21 21। शक्ति का ज्वार उठा, जो था प्रसुप्त अनंत से। शांति की लिखी कथा, कभी ना किए विध्वंस थे। भारत देश ने कभी किसी पे हमला नहीं किया, लेकिन जब किया है तो किसी ने हम पर किया है, तो हमने माकूल जवाब दिया। किंचित नहीं भे कभी, मनुष्यता का विनाश। भरत वंशियों से प्रतीत, मनुज शत्रु सर्वनाश। नव धरा विलीन, शौर्य साक्षी अभिनंद के। विजित उदित पुनः, त्वरित प्रसन्न अब आनंद से। विदीर्ण किए हृदय शत्रु हंता मिराज ने। शत्रु क्षुभित हृदय, क्षोभित अंतय प्रतिकार से। स्वागतातुर पवन हंस, तदीय ने किया विफल। सेवक सतत जागृत, यहाँ अचंभित है विश्व भी। सार्थक समर्पित रिपु दमन, उद्यत है अवश्य ही। सिंह घोर गर्जना, गुंजित विशाल यह गगन। उद्वेलित हुआ शत्रु हर, भारती करे नमन। आरंभ है प्रचंड यह, शमर शेष अनंत का। यह मेरी कविता भाई अभिनंदन जी के लिए समर्पित थी। और अगली कविता कुछ लाइनें एक प्रेयसी जो अपने प्रिय का इंतजार कर रही है शाम को, सपोज ऑफिस से आने का, उस समय के लिए है। तुम सांझ ढले ही आ जाना, किंचित ना मिलन में देरी हो। तुम सांझ ढले ही आ जाना, किंचित ना मिलन में देरी हो। यह तड़प उठे है मन मिलने, जब बैरी शाम सुनहरी हो। यह तड़प उठे है मन मिलने, जब बैरी शाम सुनहरी। पल पल सदियों सा लगता है, जब शाम अंधेरा ढलता है। पल पल सदियों सा लगता है, जब शाम अंधेरा ढलता है। पगली
सी इत उत मैं डोलू, ये पायल भी अब ठहरी है, तुम सांझ ढले ही आ जाना। बिन तेरे दिन तो बीत गया, अब आंखों में तू छलका है, तरस को तेरे तरस गए ना, प्यास मिटे ये गहरी है। आंखों को बंद करें ना हम, अशकों संग याद भी आई है, इंतजार की घड़ियां यूं अब आंखों में बस ठहरी है। जैसे ही मिलन की आहट हुई, मैं झंकृत होकर ठहरी हूँ, दर्पण के सम्मुख जा बैठी, खुशियों ले आंखें गहरी हूँ। मन मयूर सा नृत्य करे बस, पिया मिलन की आस लिए, ये चकोर सा चंचल मन अपने चंदा की प्यास लिए। तुम सांझ ढले सांझ से पहले आ पहुंचो, कि अब ना मिलन में देरी हो, तुम सांझ ढले ही आ जाना, किंचित ना मिलन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कविता और प्रस्तुति का। साथ में आपकी सारी कविताओं में जो विभिन्न रसों की विविधता मिली हमें, उसका स्वाद निस्संदेह ही अपूर्व है। श्रृंगार रस, वीर रस, शांत सभी आपने एक में समेट डाले, तो बहुत अच्छा लगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे उन श्रोताओं का जो फेसबुक लाइव पर हमें फॉलो कर रहे हैं, एक कवि सम्मेलन में कवियों के लिए दाद तारीफ जो है वो सबसे ज्यादा टॉनिक का काम करती है। इस माध्यम के एक कमी जो है कि वो लाइव हम आपका फीडबैक उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, पर आपसे अनुरोध है कि हमारे फेसबुक स्ट्रीम पर अपने कमेंट्स, अपने इमोजीज, इमोटिकॉन्स पेस्ट करते जाइए प्लीज। उससे हमारे सारे कवियों को प्रोत्साहन मिलेगा, हमारा हौसला दोबजा हो जाएगा। इसलिए आप उसमें साथ में भाग लेते रहिए। आगे की और जो गोष्ठियां होंगी उसमें आपको भी सम्मिलित करें, ऐसा प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैं लौटता हूँ वापस अपनी कविताओं के सफर में। हमारे एक और वरिष्ठ कवि हैं शिकागो के, श्री विजय चोपड़ा जी को, तो मैं विजय चोपड़ा जी का आपको परिचय दे दूं। हम लोगों में से शायद सबसे ज्यादा लंबे समय से विजय चोपड़ा जी शिकागो के निवासी हैं, और पिछले करीब 49 वर्षों से शिकागो में रह रहे हैं। भारत में IIT दिल्ली से के स्नातक हैं, और अपनी कॉरपोरेट लाइफ के अलावा हमेशा कविताओं में सक्रिय रहे हैं। उनकी एक विशेष बात यह है कि विजय जी ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कविताएं लिखी हैं, और उनकी ये कविताएं बहुत प्रचलित भी हुई हैं, बहुत लोकप्रिय हुई हैं। उनकी एक इंग्लिश कविताओं की किताब है जिसका नाम है कलर्स ऑफ लीव्स, जो अमेजोन पे भी उपलब्ध है। अब वो सेवानिवृत्त होके साहित्य और भाषा की सेवा कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं स्वागत करना चाहूंगा विजय चोपड़ा जी का। धन्यवाद बहुत बहुत अनुराग जी, ड्रामाटेक और काउंसलर जनरल अमित जी और काउंसलर रंजीत सिंह जी और सभी विशिष्ट कवियों को और फेसबुक पे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो ये आपका जो कवि सम्मेलन है, ये कोरोना के टाइम के ऊपर बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, अ फ्रेश ऑफ ब्रेथ एयर, यू नो, इसमें बहुत बहुत ताज़ा महकती हवा का झोंका है। तो मैं 3-4 छोटी छोटी अपनी कविताओं को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पहली का नाम है खोज, ये छोटी सी कविता है खोज। ना दानी को दान से, ना सिद्ध को ज्ञान से, ना दानी को दान से, ना सिद्ध को ध्यान से, ना जाहिद को अजान से, ना मैकत को जान से। अगर किसी को खुदा मिला तो मिला सिर्फ आत्म ज्ञान से। तो उसके बाद एक गजल पढ़ना चाहूंगा, तो वो ऐसे है कि हर दिल में अरमां होते हैं, हर दिल में अरमां होते हैं, उम्र भर के मेहमान होते हैं,
जब सकूं कहीं ढूंढे न मिले, दर्द ही जीने का सामान होते हैं। राह अकेले चलो या संग किसी के, राह अकेले बढ़ो या संग किसी के, तन्हा तन्हा सब कारवां होते हैं। हकीकत के अंधेरे उम्मीदों के उजाले, हकीकत के अंधेरे उम्मीदों के उजाले, अक्सर हम इनके दरमियान होते हैं। जो चेहरे जो मुस्कुराते रहते हैं हरदम, वो चेहरे जो मुस्कुराते रहते हैं हरदम, शायद जान बूझ कर अनजान होते हैं। सेज सजती है हर शाम उम्मीदों की, सेज सजती है हर शाम उम्मीदों की, और आपके साए मेजबान होते हैं। ओस को देखा तो कुछ समझ आया, ओस को देखा तो कुछ समझ आया, रात भर कैसे आसमान रोते हैं। कभी हरे कभी सूखे पर हरदम भूखे, कभी हरे कभी सूखे हरदम भूखे, सपने हैं कौन जाने कब मेहरबान होते हैं। और आखिर में इस गजल के, कौन घाव किसने दिया कब दिया विजय, कौन घाव किसने दिया कब दिया विजय, शिकवे छोड़ो जाने दो क्यों लोग परेशान होते हैं। मेरी अगली रचना जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा वो इंसानी फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हर एक को प्यार दुख खुशी और दर्द का बहुत एहसास होता है, तो ये दर्द के ऊपर कुछ मैंने अपने कुछ ख्यालात पेश करना चाहूंगा। इसका शीर्षक है दर्द की डोर। इस दर्द ने मुझे चौंका दिया, मानो इसने मुझे जगा दिया, इस दर्द ने मुझे चौंका दिया, मानो इसने मुझे जगा दिया। जिंदगी ने क्या कुछ नहीं दिया मुझे, इस दर्द ने मुझे खुद से मिला दिया। दोनों जहां थे खफा मुझसे, रोज का सुकून था बेवफा मुझसे, कटी पतंग थी ये जिंदगी मेरी, दर्द की डोर ने मुझे बचा लिया। यूं दर्द का असर बड़ा जहन पर, यूं दर्द का असर बड़ा जहन पर, हद से गुजरा इस दिल का सबर, हम उसी को खुदा समझने लगे जिस मेहरबान ने दर्द बटा लिया। खून नहीं, खून नहीं सब दर्द के रिश्ते हैं, दर्द बांटने वाले सब फरिश्ते हैं, बिन दर्द बांटे ना जिया कोई, ये सादा सबक हम दर्द ने सिखा दिया। अब थोड़ा अगली पेशकश का चेंज ऑफ पेस, कुछ रोमांचिक ख्यालात में कुछ कहना चाहूंगा। आज चांद है मेरी गली में, आज चांद है मेरी गली में, हर तरफ रंग है जिंदगी में, वो बैठे हैं पहलू में मेरे, मर ना जाऊं मैं आज खुशी में। कभी यहां गमों की धूल उड़ती थी, हर कदम पर खिजा ही खिजा थी, आज हर सू बहारें हैं खिली हैं, जरा जरा नखरा है, जरा जरा निखरा है उनकी महक में। जाने कब से बिछी थी ये आंखें कि कोई छुए मुझे पास आके, मिलन के राग हैं अब उमड़ते उनके कदमों की हसीन चनक में। कहें चौपाई छंद या गजल, कहें चौपाई छंद या गजल, उनका चेहरा है एक खिलता कमल, आंखें हैं या छलकते पैमाना, उम्र भर पीता रहूं इसी नकदे में। कैसे दिल की मैं हालत बताऊं, कैसे दिल की मैं हालत बताऊं, प्रेम भंवर उन संग डूब न जाऊं, बयां करने से बयां नहीं होता, इतना फन नहीं मेरी कलम में। तो अभी मेरे पास थोड़ा वक्त है तो एक और चीज पेश करना चाहूंगा। वैसे तो मैं शराब पीता नहीं हूं, मगर शराब और शायरी का बहुत पुराना
और गहरा साथ रहा है हम सब जानते हैं। और शायरी से ही मैं शराब का थोड़ा मजा लेता हूँ, तो उसी शराब के ऊपर ही कुछ लिखे हैं कि कैसे पीनी चाहिए। मैं कशी है इसका शीर्षक। खुशी में पी या गमखारी में पी, खुशी में पी या गमखारी में पी, किसी की शिकस्त पे पी या अपनी होशियारी पे पी, बेमिसाल फतह पे पी या दिल की बेकरारी पे पी, जिंदा दिली पे पी, जश्न कामयाबी पे पी, जीने की खुमारी पे पी, जीने की खुमारी पे पी, सुरमई महकती तन्हाई पे पी या दोस्ताना महफिल में पी, खाकसारों की खजूरे में पी या रईसों की दरबारी में पी, खुदा परस्ती पे पी या खुद के गुनाहों पे पी, खुदा परस्ती पे पी या खुद के गुनाहों पे पी, या दर्द दिल की आहों पे पी, हमसायों के संग शाम ढले पी, चांदनी रात में तमाम रात पी, सर्द बरसात में साकी के हाथ पी, बार बार पी जब भी पी, रस्म से दस्तूर से संयम से पी, सदा महशी की तहजीब से पी, किसी महकदे में पी या कोई दरगाह पे पी, चाहे हर मौके पे पी, जिंदगी की हर राह पे पी, मगर मेरी इल्तजा है दोस्त कभी तनहा ना पी। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत अल्फाज विजय जी, जज्बात खून नहीं दर सब दर्द के रिश्ते हैं, बहुत ही खूबसूरत जज्बात हम सभी के लिए। और एक दूसरी चीज जो है जिसे रंजीत जी हमेशा कहते रहते हैं कि भारत की जो दो भाषाएं हैं हिंदी और उर्दू, ये सगी बहनों की तरह हैं जो साथ साथ बहती हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया उन दोनों में हमें अपनी रचनाएं सुनाने के लिए। और अब हम थोड़ा मुड़ते हैं उसकी दूसरी बहन उर्दू की तरफ, आइए देखते हैं उर्दू की तरफ चलते हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि शिकागो के एक अजीम शायर श्री आदिल फरीद जी हमारे साथ जुड़े हैं। आदिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल जी वैसे हम लोग कईयों की तरह वैसे पेशे से तो आईटी प्रोफेशनल हैं, पर दिल से शायर और लिटरेचर के बहुत मुरीद हैं। और वैसे भारत से हैं, हिंदुस्तान से, पर अब यहाँ नेपरविल में रहते हैं। हमारी खुशकिस्मती है और मैं दावत देना चाहूंगा आदिल फरीद जी को कि आप अपना कलाम हमें सुनाइए। अनुराग जी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत तारुफ का हिंदी की इस महफिल में। जैसे आपने बताया कि हिंदी की बहन उर्दू का गुलदस्ता लेकर हाजिर हो रहा हूँ, और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आप लोगों ने इस काबिल समझा कि इस खूबसूरत सितारों की महफिल में मुझे भी शामिल किया जाए। तो तमाम मुंतजमीन के लिए जो करता धरता हैं, रंजीत सिंह जी, अनुराग जी और अमित जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का कि इस महफिल में मैं शामिल हूँ। आज मैं एक नज़म पेश करने जा रहा हूँ, और वो नज़म जो है वो उसका इंस्पिरेशन मुझे कुछ और शायरों से मिला है। बचपन से ही मेरे फादर, मेरे वालिद, उन्होंने मेरे दिल में जो है इंसानियत की मोहब्बत डाली। उन्होंने कहा कि मज़हब कोई भी हो लेकिन इंसानियत का रिश्ता ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पाकीज़ा और पक्का रिश्ता है, और यही रिश्ता हम इंसानों को जोड़ता है। वो अक्सर एक शेर गुनगुनाया करते थे कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियां। इसका मतलब ये कि खुदा ने, भगवान ने, अल्लाह ने दर्द दिल के वास्ते इंसान को पैदा किया है, वरना इबादत के लिए, सजदों के लिए तो हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते बनाए गए थे। और तीन अशार में पेश करूंगा, उसके बाद में अपनी लिखी हुई एक नज़म जो मैंने कल ही लिखी है वो पेश करूंगा। एक पहला शेर तो यह है कि रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस दम, उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो, किसी की ना उम्मीदी में, किसी को मायूसी में, दुख में उम्मीद का चिराग जला के दिखाना,
उसको हौसला देना यही हमारी इंसानियत है। और दूसरा एक शेर है, बादशाही चाहिए कुर्बे इलाही चाहिए, आपको बादशाह बनकर रहना है और भगवान से अल्लाह से अल्लाह से करीब होकर भी रहना है तो कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है, दिल में रहिए और होंठों की दुआ बन जाइए, आप लोगों के दिल में रहिए अपने बर्ताव से अपनी मदद से और होंठों की दुआ बन जाइए। और तीसरा शेर यह है कि सभी के दीप सुंदर हैं, सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, सभी के दीप सुंदर हैं हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ से है इस किनारे उस किनारे क्या। तो अनुराग जी, अब मैं अपनी लिखी हुई एक हल्की सी नज़म पेश करता हूँ आज के माहौल के हिसाब से, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। गली गली नगर नगर ये खौफ है कि क्या हुआ, रुकी रुकी सी ये जमी डरा हुआ सा आसमां, थमी थमी फजा भी है चमन की इस हवा भी है, सुकूत क्यों बिछा हुआ है राज क्या छुपा हुआ, न जाने कैसी आग है कि हर तरफ धुआं धुआं, न जाने कैसी आग है कि हर तरफ धुआं धुआं, ये चार सू रुकावटें है रास्ता छुपा हुआ, कहां से उठ रही हैं ये दबी दबी से सिसकियां, ये आंसुओं की धार में ये दर्द क्यों छुपा हुआ, कोई जो बढ़ के काम ले, कोई जो बढ़ के काम ले गिरे हुए को थाम ले, कि जिंदगी की आंख में ये ख्वाब है छुपा हुआ, किसी का दुख उधार ले किसी के आंसू पोछ ले, कि हौसलों के बाग में ये फूल है छुपा हुआ, सफर अगर तवील है और धूप भी शदीद है, बना के कोई साहिबा जो धूप से बचाओगे, कली भी मुस्कुराएगी सजा भी गुनगुनाएगी, कि जिंदगी के साज में ये राग है छुपा हुआ, मोहब्बतों के गीत को जब भी गुनगुनाओगे, प्यार से किसी को तुम अपना जब बनाओगे, सजा के मुस्कुराहटें किसी के चश्म लब पर, सजा के मुस्कुराहटें किसी के चश्म लब पे तुम मोहब्बतों के नूर से अंधेरा जब हटाओगे, समा भी मुस्कुराएगा खुदा भी मुस्कुराएगा, कि सिसकियों की राह में है कहकहा छुपा हुआ। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत खूबसूरत अंदाज़े बयां और जज्बात आपके, आपकी नज़र एक शेर पेश करता हूँ इस पेशकश के लिए। राहत इंदौरी जी ने कहा था, उनका कहता है, मैंने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते हैं, मैंने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते हैं, ये हुकूमत किसी तलवार की मोहताज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ मैं आप सबका तारुफ कराना चाहूँगा हमारे शिकागो के एक और अजीम हस्ती से, श्री नितिन जोशी जी से। नितिन जोशी जी पिछले 35 वर्षों से शिकागो के बाशिंदे हैं और उनके बारे में जितना कहा जाए कम है, अलग अलग आर्ट से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मौसिकी हो या उर्दू हो, मराठी की पोइट्री समझी जाए, उसके अलावा वो महाराष्ट्र मंडल शिकागो के साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं। और मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि कुछ अपनी नज़में और गजल पेश करें आपके साथ। तो खुशामदीद नितिन जोशी जी। नमस्कार सबको, और ड्रामाटेक का बहुत बहुत शुक्रिया, कंसल जनरल साहब का भी शुक्रिया, राजेंद्र सिंह जी आपका भी शुक्रिया। वैसे तो मैं ज्यादातर मराठी में कविताएं करता हूँ, तो हिंदी में कविता करने की जरूरत कभी नहीं की, लेकिन उर्दू और हिंदी को बहुत पढ़ चुका हूँ, बहुत चाव है मुझे। तो अब आपके सामने एक ऐसी नज्म पेश करता हूँ जो मेरी नज़र में एक मुख्तलिफ अंदाज में देखना है किस चीज़ को, वो चीज़ है ताजमहल। ताजमहल एक अजूबा है, सब जानते हैं, शकील बदायूं साहब ने लिखा था, एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। लेकिन साहिर लुधियानवी साहब बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से इसे देखते हैं। जब महबूबा शायर को कहती हैं कि चलो आज ताजमहल में मिलेंगे,
तो साहिर साहब कहते हैं मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, तो पेशे खिदमत है ताजमहल। ताज तेरे लिए मज़हरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। बस में शाही में गरीबों का गुजर क्या मानी, सब्त जिस राह पे हो सत्वते शाही के निशान, उस पर उल्फत भरी रूहों का सफर क्या मानी। मेरे महबूब पसे पर्दाए तशहीर वफा, तूने सत्वत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शायरों की मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। अरे अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए वो तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये इमारतों मकाबिर ये फसीले ये हिसार, मुतलक हुक्म शहनशाहों की अजमत के सतू, दामने दहर पे जिस रंग की गुलकारी है उसमें शामिल है तेरे और मेरे अजदाद का खून। मेरे महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी, जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील, उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनाम उन्मूद, आज तक उन पे जलाई ने किसी ने कंदील। ये चमनजार ये जमुना का किनारा, ये महल ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। शुक्रिया। और दूसरी एक जो चीज है वो, हालांकि मैं कुछ और कहने जा रहा था, लेकिन जब विजय चोपड़ा साहब ने जो आखिरी गजल सुनाई उनकी शराब के ऊपर थी, तो सोचा क्यों ना मैं भी उनसे कुछ नसीहत ले लूं। और जिगर मुरादाबादी साहब की एक बहुत अच्छी गजल है, जिसको हालांकि मोहम्मद रफी साहब ने गाया भी है लेकिन ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होगी शायद। तो अर्ज किया है, साकी की हर निगाह पे बलखा के पी गया, लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया, बेकैफियों के कैफ से घबरा के पी गया, तौबा को तोड़ताड़ के थर्रा के पी गया। जाहिदी मेरे शोखी है गिंदा ना देखना, मैं रहमत को बातों बातों में बहला के पी गया। अरे पीता बगैर इजन ये कब थी मेरी मजाल, पीता बगैर इजन ये कब थी मेरी मजाल, दर पर्दा चश्मे यार के शह पा के पी गया। ए रहमत तमाम मेरी हर खता मुआफ, मैं इंतहा शौक से घबरा के पी गया। आजुर्दगी खातिर साकी को देखकर मुझको यूं शर्म आई कि शर्मा के पी गया। सरमस्ती अजल, ये हासले गजल शेर है मेरे ख्याल से, सरमस्ती अजल जब मुझे याद आ गई, दुनिया एतबार को ठुकरा के पी गया। और उस जाने मैकदा की कसम बारहा जिगर, कुछ आलमी बसीर पे मैं छा के पी गया, कुछ आलमी बसीर पे मैं छा के पी गया। शुक्रिया सबका, ये मौका हासिल हुआ आपकी बदौलत, धन्यवाद सबके। बहुत बहुत खूबसूरत अल्फाज और गज़ल और अंदाज़ बयान नितिन भाई, बहुत अच्छा लगा आपकी इस गज़ल को सुनकर। और मैकेशी के ऊपर आपने जो बात कही है, ये मधुशाला से लेकर सारी शायरी में कई जगह पाई जाती है। दो शार मुझे याद आ गए, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हम तेरी या चाह में ए यार यहाँ तक पहुँचे, होश ये भी न था जहाँ है कि कहाँ पहुँचे, एक सदी तक न वहां पहुंचेगी दुनिया सारी, एक ही घूंट में मस्ताने जहां तक पहुंचे। तो कविता और शराब दोनों का यही रिश्ता है। इसके साथ मैं अब आगाज करूंगा मेरे एक बहुत अजीज दोस्त निखिल झवेरी जी का। निखिल जी हमारे साथ ड्रामाटेक के साथ पिछले 5 वर्षों से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा ये भी बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। नाटकों के अलावा कविताएं और नज़में पेश करना और अपने ख़ास अंदाज़े बयान में, इसके लिए शिकागो के बहुत सारे लोग उनके मुरीद हैं। गुलजार साहब की कई नज़मों को उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में पेश किया है।
जो बहुत सराही गई हैं, आज मैं उनको आमंत्रित करता हूं। निखिल झवेरी जी प्लीज। शुक्रिया अनुराग। तो जैसे अनुराग ने कहा, आज मैं गुलजार साहब की दो नज़में पढ़ना चाहता हूँ। दोनों आज़ाद नज़में हैं, ये जो गुलजार साहब की खासियत है। और मेरे ख्याल से हम सभी गुलजार साहब के बड़े फैंस हैं, महबूब शायर है वो। लेकिन उनकी नज़मों को अगर आप गौर से पढ़ें तो मुझे तो कई बार उनकी नज़मों में उनकी कई लिखी हुई फिल्मों का स्क्रीन प्ले दिखता है पूरा। मिसाल के तौर पे ये एक नज़म मैं पेश करना चाहता हूं, उन्वान है मूड। करवट लें तो टकराते थे, करवट ले तो टकराते थे, घुटना कोहनी चुभ जाते थे, सारी रात जमाई आली और जागते रहे। करवट ले तो टकराते थे, घुटना कोहनी चुभ जाते थे, सारी रात जमाई आली, जागते रहे। तीन थे हम, तीनों के लिए बिस्तर छोटा था हमारा, मैं और वो और चांद भी था। तीनों के लिए घर बहुत छोटा था, तीनों के लिए घर बहुत छोटा था, मैं और वो और ख्वाब थे कुछ। ख्वाब अक्सर लड़ पड़ते थे बच्चों की तरह, शोर बहुत हो जाता था। अब उनको अकेला छोड़ के, उन ख्वाबों को अकेला छोड़कर अलग अलग से रहने लगे हैं हम। तीनों के लिए बिस्तर छोटा था हमारा, मैं और वो और मूड हमारा। हम दोनों बिस्तर के कोने में सिमट के सो जाते हैं और मूड हमारा बीच में लेटा हांफता रहता है। अब इश्क में लाजमी है हिजर विसाल, इश्क में लाजमी है हिजर विसाल, मगर एक अना भी तो है तो ईगो चुप जाती है पहलू बदलने में। अब रात भर पीठ लगाकर सोया भी तो नहीं जाता ना, लेकिन कभी कभी ये कमबख्त मूड यू भी कहता है, आओ आओ तुम्हें उठा लूं कंधे पर, तुम उचक कर अपने शरीर होठों से चूम लेना ये चांद का माथा। आज की रात देखा ना तुमने, अपने कोनियों के बल झुक झुक के चांद हमारे इतने करीब आ गया है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। दूसरी नज़म गुलजार साहब, व्हाट आई फाइंड यूनिक, एक यूनिक बात है उनमें कि कई दफा वो अपनी नज़मों को अपनी नज़मों का सब्जेक्ट बनाते हैं, एन इंट्रोस्पेक्शन। तो बस मिसाल की तौर पे ये नज़म है, अब इसकी इमेजरी देखिए। कभी कभी जब मैं बैठ जाता हूं, कभी कभी जब मैं बैठ जाता हूं अपनी नज़मों के सामने एक निफ्स दायरे में, अ सेमी सर्कल। कभी कभी जब मैं बैठ जाता हूं अपनी नज़मों के सामने एक निफ्स दायरे में और मिजाज पूछूं कि किस तरह से कटती है एक शायर के साथ जिंदगी, वो घूर के देखती है मुझको और सवाल करती है, उनसे हूं मैं या मुझसे है वो, उनसे हूं मैं या मुझसे है वो। वो सारी नज़में जो मैं समझता हूं मेरी जीन से है, वो यूं समझती है कि उनसे है मेरा नाक नक्शा, ये शक्ल मुझे उनसे मिली है। एक नज़म आगे आके पूछती है छूकर पेशानी मेरी, बताओ कोई इंतशार है शायर अगर मैं पास बैठूं, बींदु उलझने तुम्हारी। एक और नज़म कहती है जो कह नहीं सकते किसी को, तो मेरे कानों में डाल दो राज सरगोशियों के, हाँ मगर एक सुनेगा तो सब सुनेंगे। एक और नज़म कहती है जो पहली भी कह चुकी हूं शायर, एक और नज़म कहती है पहली भी कह चुकी हूं शायर, अगर चढ़ान चढ़ते सांस फूल जाए
तो मेरे कंधों पे कुछ बोझ रखना, कुछ मैं उठाऊं। एक छोटी सी नजम पीछे बैठे मुझे टुकटुकी बांधे देखती रहती है बस, न जाने क्या है उसकी आंखों का रंग तुम पे चला गया है। अलग अलग है मिजाज सबके, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे मिजाज मुझ में छुपे हुए हैं। मुझे ये एहसास हो रहा है कि जब मैं उन्हें तखलीक दे रहा था, when I was creating them, जब मैं उन्हें तखलीक दे रहा था, वो मुझे तखलीक दे रही थी। तो जाने से पहले एक बार फिर शुक्रिया, और हम सबके लिए और गुलजार साहब के लिए खास मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूं। जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक तुझ में वो तुझसे ना दूर है। जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक तुझ में वो तुझसे ना दूर है। अगर उससे इश्क है तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है, इस इबादत का यही दस्तूर है। शुक्रिया। बहुत बहुत खूब निखिल, बहुत खूबसूरत अल्फाज, अंदाज बयान और जज्बात, बहुत ही खूबसूरत लगा। निखिल हमारे साथ इतने सारे कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं और उनकी ये सुनने उनकी शायरी सुनने का हमको मौका मिलता है और हर बार दिल भरता नहीं। तो ये दो शेर मैं निखिल के लिए पढ़ रहा हूँ। उसके उठते ही जरा बैठ सा जाना दिल का, याद है आज भी हमको वो जमाना दिल का। यूं तो हर शेर पे तहसीन का तूफान उठा, सुनने वालों ने ना मगर जाना ना हाल दिल का। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल। इसके साथ ही मैं फिर आमंत्रित करता हूं हमारी एक युवा कवित्री जो हमारे साथ जुड़ी हुई है शिकागो में, शिखा मेहता जी को। शिखा मेहता जी कला और संगीत प्रेमियों के साथ हैं और कविताएं लिखने का इनका काफी समय से शौक है। मैं आमंत्रित करता हूं शिखा जी, आप अपनी कविताएं प्रस्तुत कीजिए। बहुत 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 धन्यवाद अनुराग जी। सभी कविगणों और श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। आज के इस वैश्विक संकट भरे दौर में रचना धर्मिता और सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए ये जो प्रयास किया गया है वास्तव में वंदनीय है। मैं आप सभी की आभारी हूँ ड्रामाटेक की अनुराग जी की कि आपने मुझे आपके समक्ष प्रस्तुति का अवसर प्रदान किया। जिस प्रकार इंश्योरेंस पॉलिसी में डिस्क्लेमर होता है, मैं भी अपनी पहली रचना, स्वरचित रचना, आपके समक्ष डिस्क्लेमर के रूप में पेश कर रही हूं। मेरी रचनाएं शायद इतनी खास नहीं, पर ऐसा भी नहीं कि बेहतर लेखनी की आस नहीं। मेरी रचनाएं शायद इतनी खास नहीं, पर ऐसा भी नहीं कि बेहतर लेखनी की आस नहीं। ख्यालों की कश्ती कभी रुकी तो कभी बही, मन की बातें कुछ अनसुनी कुछ अनकही। जब मिलेंगे आप जैसे योग्य राही, जब मिलेंगे आप जैसे योग्य राही, परिपक्व होगी मेरी भी कलम की स्याही, परिपक्व होगी मेरी भी कलम की स्याही। मेरी अगली स्वरचित रचना आज के इस माहौल को ध्यान में रखते हुए है और खुद के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। अपने दिल के लिए कुछ खास कीजिए, अपने दिल के लिए कुछ खास कीजिए, सुबह न हो सके तो शाम कीजिए, थोड़ा योग या फिर प्राणायाम कीजिए, पर अपने दिल के लिए कुछ खास कीजिए। थोड़ा काम और थोड़ा आराम कीजिए, मगन होके थोड़ी तो राहत की सांस लीजिए, अपने दिल के लिए कुछ खास कीजिए। लाफिंग क्लब में सबसे बड़ा ठहाका या पार्क में हरी दूब पे लौट लगाइए, या फिर अकेले में नीले गगन को निहारिए। आज प्रकृति के कुछ नजदीक जाइए, हवा के ठंडी झोंकों को महसूस कीजिए, या फिर बारिश की बूंदों से तन और मन को सराबोर कीजिए। आकाश में उड़ते पंछियों को देख खुद भी मस्त रहने की परवाज लगाइए। जी हाँ,
अपने दिल के लिए कुछ खास कीजिए। अरे भाई सुबह ना हो सके तो शाम कीजिए, पर अपने दिल के लिए कुछ खास कीजिए। संदूक में रखी पुरानी डायरी की धूल हटाइए और उसे पढ़ के मंद मंद मुस्काइए। दोस्तों को अपने बचपन के किस्से सुनाइए। आज यूं ही अपने माता पिता को फोन लगाइए या फिर अपने भाई बहनों से बतियाइए। अपने दिल के लिए कुछ खास कीजिए। क्यों ना आज पाक कला में अपनी निपुणता दिखाइए। अपने साथी के लिए रसोई में कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बना अपना प्यार जताइए। जी हाँ, आज बच्चों के साथ बच्चे बन जाइए। पकड़म बाटी, गिल्ली डंडा या फिर लुका छुपी खेल आइए। वो सब कुछ जो आपने कभी न कभी इस जीवन में करने का सोचा है, आज कर दिखाइए। अपने दिल के लिए कुछ खास कीजिए। घबराइए नहीं, ये समय भी टल जाएगा। सप्तरंगी इंद्रधनुष फिर से गगन पे अपने रंग बिखराएगा। ये काले बादल भी छट जाएंगे, भीगी धरती पे नव अंकुर फिर से अपनी जगह बनाएंगे। एक गुजारिश आप सबसे कि अपनी हसरतों को पूरा करने की जरूरत बनाए रखिए। हालात जैसे भी हों अपनी मुस्कुराहट बनाए रखिए। अब आखिर में मैं अपनी प्रस्तुति श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक प्रचलित कविता गीत नया गाता हूं से संपन्न करती हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पार कोयल की कुहकरार, प्राची में अरुणी माँ की देख रेख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिस की, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिस की, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और इसी तरह से हम भी नया गीत गाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत सुंदर प्रस्तुति शिखा जी, स्वसर पाठ आपका अटल जी की रचना के लिए, और आपकी जो हम सब के लिए सलाह है, दिल के लिए कुछ खास कीजिए। मुझे लगता है हम सभी जो इन कविताओं का आनंद उठा रहे हैं, ये हमारे दिल के लिए बहुत खास बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगा शिकागो क्षेत्र की एक और कवित्री श्रीमती अनिका दुबे जी को। अनिका जी भी बहुआयामी व्यक्तित्व में है और हिंदी नाटक थिएटर और भाषा से जुड़ी हुई हैं, भारत से लेके यहाँ पर भी, और एकजुट थिएटर के साथ उन्होंने काफी काम किया है। उसके अलावा
हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कई वर्षों से काम कर रही हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूं अनिका दुबे जी को। धन्यवाद अनुराग जी, आपको पहले बहुत बहुत बधाई काव्य गोष्ठी आयोजन करने के लिए और हम सबको यहाँ आमंत्रित और एकत्रित करने के लिए। मेरा बहुत बहुत नमस्कार काउंसिल जनरल अमित जी जी को, रंजीत जी को, आभार अभिनंदन आप सभी श्रोतागण का। यह है बसंत ऋतु का मौसम, रंगों का मौसम। रंगों का संसार बड़ा ही विचित्र है, रंग हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो प्रस्तुत है मेरी रचना जिसका शीर्षक है रंग। जीवन है रंगों की होली, है मन में खुशियों के रंग, पर एक छोटी सी भूल से हो सकता है रंग में भंग। समय बदलने से जीने के भी रंग ढंग बदल जाते हैं, भाव बदल जाने से रंगों के भी रंग बदल जाते हैं। शुभ स्वच्छ पवित्र ध्वलसा लगता है ये रंग सफेद। झूठ कभी सच नहीं हो सकता, हो सकता है झूठ सफेद। रिश्ते नाते बदरंग हो जाते जब हो जाता है खून सफेद। लाल रंग प्यार का रंग है, लाल रंग प्यार का रंग है, सुहागिन की चुनरी है लाल, लाल चूड़ियां लाल ही बिंदी, सिंदूर का रंग भी होता लाल, लाल फल एवं लाल फूल हैं, रतन भी कुछ होते हैं लाल। सपूत न्योछावर हुए देश पर कहलाते धरती के लाल। शर्म से लाल गाल गोरी के, क्रोध से चेहरा होता लाल। लाल है ज्वाला, खतरे का रंग भी है लाल। ट्रैफिक की बत्ती है लाल, सही समय पर ब्रेक ना लगे तो हो जाता है बेहाल हाल। काला रंग, काला रंग दुराचार का घोतक, अशुभ लगे काला काला, काली बिल्ली काला मन, लगता नहीं प्रिय कभी तन काला। काली जुबान भाती नहीं है, करना ना चाहे कोई मुंह काला। काले वस्त्र शोक संतप्त के विरोध प्रदर्शन का रंग काला। पर चांद से मुखड़े पर सचता है नन्ना से एक तिल काला। काले केश सुंदर लगते हैं, अति प्रिय लगता धन काला। धूप से बचाए छाया काली, बलाव से बचाए धागा काला। जग की रक्षक है महाकाली, शक्ति स्रोत है सोना काला। हर रंग में अनेक रंग हैं, यह जीवन एक रंगोली है। जिस रंग में तुम रंगना चाहो उसी रंग की होली है। तो अब आजकल का जो माहौल है हम सबको पता है, हम घरों में बंद हैं, क्वारंटाइन होकर खाना पका रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हैं, अपने मित्रों को भी याद कर रहे हैं, उनकी याद ज्यादा आ रही है। तो अभी ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, आश्चर्यजनक बात है। 20 साल बाद एक सहेली का मैसेज आया और उसी पे मैं इतनी मतलब भाव विभोर हो गई कि मैंने सोचा कि मैं कुछ इसके ऊपर लिखूं और आप प्रस्तुत करूं आप लोग के समक्ष। बीते हुए दिन, दिन जो बीत जाते हैं वह क्यों यो याद आते हैं, दिन जो बीत जाते हैं वह क्यों यो याद आते हैं। कितने खूबसूरत थे वो दिन, बहुत दिलकश थे वो दिन। शामों को यूं मोहल्ले में खेलना, सखियों के साथ घंटों बतियाना, बहुत याद आते हैं वो दिन। बालपन के उन झगड़ों में, सखियों से उन पलों में, रूठना मनाना रोना बनाना, कानों में फुसफुसा कर सपनों का कह जाना, बहुत याद आते हैं वो दिन। हम सब आज बिछड़ गए हैं, अपनी अपनी जिंदगी में खो गए हैं। याद बहुत आते हो, दिल में एक ठीस उठा जाते हो।
राहें हैं हमारी अलग अलग, शायद मिलना ना हो। याद रखते होंगे शायद तुम भी उनको, उन यादों से आज भी जी भर जाता है। याद रखना तुम भी उन बीते दिनों को, अलविदा नहीं कहते शायद फिर मिलेंगे कहीं, अलविदा नहीं कहते शायद फिर मिलेंगे कहीं। दिन जो बीत जाते हैं वह क्यों यो याद आते हैं। तो ये मैंने लिखा था क्वारंटाइन के दौरान, लेकिन अब ऐसा माहौल है कि हम लोगों को लगता है कि बस भाई हर जगह इस माहौल से बाहर निकले, खुशी हो। तो पिछले साल मैंने खुशी का एक पहलू, उस पर मैंने कुछ लिखा था, वो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। बहुत दिन बाद पकड़ में आई थोड़ी सी खुशी तो पूछा, कहाँ रहती हो आजकल? ज्यादा मिलती नहीं, यही तो हूं, जवाब मिला। बहुत भाव खाती हो खुशी, कुछ सीखो अपनी बहन से, हर दूसरे दिन आती है हमसे मिलने परेशानी। आती तो मैं भी हूं पर आप ध्यान नहीं देते। अच्छा कहां थी तुम जब पड़ोसी ने नई गाड़ी ली, और तब कहां थी जब रिश्तेदार ने बड़ा घर बनाया? शिकायत होठों पे थी कि उसने टोक दिया बीच में। मैं रहती हूं कभी आपकी बच्ची की किलकारियों में, कभी रास्ते में मिल जाती हूँ एक दोस्त के रूप में, कभी एक अच्छी फिल्म देखने में, कभी गुम कर मिली हुई किसी चीज में, कभी घर वालों की परवाह में, कभी मानसून की पहली बारिश में, कभी कोई गाना सुनने में। दरअसल थोड़ा थोड़ा बांट देती हूँ खुद को छोटे छोटे पलों में, उनके एहसासों में। लगता है चश्मे का नंबर बढ़ गया है आपका, सिर्फ बड़ी चीजों में ही ढूंढते हो मुझे। खैर अब तो पता मालूम हो गया ना मेरा, ढूंढ लेना मुझे आसानी से अब छोटी छोटी बातों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से अनुराग जी का मौका देने का, अपनी रचना प्रस्तुत करने का, और शुक्रिया आपको बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर उद्गार अनिका जी, आपके खुशियों को छोटी छोटी जगहों में ढूंढने के लिए, छोटी घटनाओं में अपने परिवार के भीतर ही, जैसे हम इस अकेलेपन भरे वातावरण में हैं, उन छोटी छोटियों को खुशियों को ढूंढ कर सहेजना हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है। और इसी के साथ मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ हमारी एक और प्रस्तोता युगल को, मैं प्रस्तुत करता हूँ श्री विश्वजीत बासु और कुमारी लिनिशा बासु को, उनकी पुत्री हैं साथ में। विश्वजीत दा और लिनिशा दोनों साथ में कुछ प्रस्तुतियां प्रस्तुत करेंगे। उनके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि उनका बहुत विराट व्यक्तित्व है। विश्वजीत दा ने जीवन का कई समय भारत की सशस्त्र सेनाओं में, एयरफोर्स में, देश की सेवा में बिताया है, उसके लिए हम उनके अत्यंत ऋणी हैं। और अब वो पिछले 15 वर्षों से शिकागो में रह रहे हैं। उनकी पुत्री लिनिशा जी जो हैं वो भी बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व की हैं, हम में से कईयों की तरह। हालांकि उनकी पढ़ाई कंप्यूटर साइंस की है, मगर वो ललित कलाओं में और अभिनय में बहुत रुचि रखती हैं, और वहाँ अपना एक नया मकाम एस्टैब्लिश कर रही हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं विश्वजीत बासु और लिनिशा बासु जी को। धन्यवाद अनुराग जी। सबसे पहले इस काव्य गोष्ठी के मंच को प्रणाम इस मौके के लिए, और मेरे सारे संयोजक बंधुओं अनुराग जी, प्रदीप्त, प्रणील जी, विद्या जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस अनोखे प्रयास के लिए। और मेरा आभार सभी दिग्गज कवि और कवित्रियों के लिए। मन बहुत प्रसन्न हो गया पिछले घंटे भर से, घंटे डेढ़ घंटे से हम सुन रहे हैं
इतने इतना दिल को सुकून मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। अमित जी, रंजीत जी, आपको भी धन्यवाद इसमें शामिल होने के लिए। मैं और लिनिशा अगले कुछ मिनटों में छोटे छोटे कुछ स्वरचित रचनाएं आपको सुनाएंगे। आज की परिस्थिति पर, एक्चुअली आज के हालात पर, मानवीय संवेदना पर कोशिश करेंगे ये सुनाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा बासु है और इस मौके के लिए तहे दिल से शुक्रिया। पहली रचना एक छोटी सी कविता है, मेरे उन दोस्तों के लिए जो व्याकुल हो रहे हैं, जो अपने आप को दिशाहीन महसूस कर रहे हैं। मेरा उनसे यही कहना है कि उम्मीद ना छोड़े, निराश ना हो। प्रस्तुत है। पाबंदियों से भयभीत ना हो, उदासियों को समेट लो। पाबंदियों से भयभीत ना हो, उदासियों को समेट लो। प्रलय से न थमेगी जीवन की कहानियां, इस विश्वास को मन में ठान लो। रक्त रंजित ही सही, इस कहानी से सीख लो। कहानी के कुछ खंड है दर्द भरे, कुछ त्याग और कुछ बलिदान से हरे। पर तुम संपूर्ण उपन्यास पर ध्यान दो। मानवता गढ़ने चला है एक नया इतिहास, इस इतिहास का साझीदार बन लो। खुश होने का मापदंडों को बदल डालो। अंतहीन नहीं ये दुख और निराशा, ये समझ लो। धैर्य धरो ए मित्र, सफर में हम सब साथ हैं और मंजिल कहीं पास ही है, ये जान लो। धन्यवाद। अब लिनिशा एक रचना पढ़ेगी। आज मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, एक नई दुनिया। ये कविता एक इंग्लिश पोएम का हिंदी रूपांतर है, जिसको मैंने अपने शब्दों से एक अलग सा रूप देने की कोशिश की है। अचानक एक दिन हम सब सोए और एक दूसरी ही दुनिया में जागे। अचानक डिज्नी में वो जादू नहीं था, पेरिस की हवाओं में वो मोहब्बत नहीं थी, चाइना का दीवार कातिलों को रोक नहीं पाया। अचानक न्यूयॉर्क सबसे ताकतवर नहीं था, मुंबई सपनों का शहर नहीं था और मंदिरों और मस्जिदों में भीड़ नहीं थी। अचानक गले लगाना और हाथ मिलाना जानलेवा बन गया और अपने माँ बाप से ना मिलना मोहब्बत का जाहिर करना। अचानक ये एहसास हुआ कि ताकत, खूबसूरती और पैसा कोई काम का नहीं है। आप जिन सांसों के लिए लड़ रहे हैं, वो सांसें कहीं खरीदी नहीं जा सकती। धरती अपनी काम किए जा रही है अपनी रफ्तार से, और वो भी बहुत खूबसूरती से। फर्क सिर्फ ये है कि हम इंसान पिंजरों में बंद हैं। कहीं ना कहीं धरती हमें ये संदेश दे रही है, आप जरूरी नहीं हो। ये पानी, हवा, जमीन, आसमान, सब बिल्कुल ठीक है आपके बगैर। तो आप जब वापस आए अपने पिंजरों से, तो ये याद रखें कि आप हमारे मेहमान हैं, हम आपके गुलाम नहीं। शुक्रिया। बहुत खूब। और ये आखिरी रचना हम दोनों मिलके पढ़ेंगे इसको। ये एक प्रार्थना है, कुछ आत्मबंधन है, कुछ हमारे अंदर के मानवता को जगाने की कोशिश भी है। इसको हमने नाम दिया है प्रार्थना। प्रस्तुत है। कल की सुबह इतनी स्थिर और शांत हो जाए, कल की सुबह इतनी स्थिर और शांत हो जाए, दुख और दर्द की ये बातें जल्दी पुरानी हो जाए। कुदरत के साथ खिलवाड़ करते रहे हम बरसों, इस भूल की अब सुधार की जाए। वो जो पंक्षी हमने कैद कर रखा है, उसे पिंजरे से आजाद किया जाए। जिन अभागे कुत्तों के झुंड को दुत्कारते थे,
जिन अभागे कुत्तों के झुंड को दुत्कारते थे उन्हें प्यार से अपनाया जाए। ये कौन सा दौर था जहां हवा, पानी, सूरज, खुशबू हम अपने जेब में लिए फिरते थे? ये कौन सा दौर था जहां हम हवा, पानी, सूरज, खुशबू अपने जेब में लिए फिरते थे? प्रतिष्ठा और उपलब्धि शून्य के बगैर इस सत्य को समझाया जाए। एक विलुप्त होती प्रजाति इंसानों में इंसानों का, एक विलुप्त होती प्रजाति इंसानों में इंसानों का, मनुष्य के अंतरात्मा को फिर से जगाया जाए। दया, धर्म, न्याय और समता बस कहने की बात न रहे, आओ सब प्रण करें, बातों पर अमल किया जाए। इस अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आएगी, आओ सब मिलकर एक दिया जलाई जाए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं कहना चाहूंगा आमीन आपकी प्रार्थना को, इस अंधेरे के बाद एक दिया जलाया जाए। आप सबके उद्गारों से बहुत हम सब उत्साहित हैं। अपने सारे साथी कविगणों का और फेसबुक पे हमें जो फॉलो कर रहे हैं उन सबको आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें प्रोत्साहन देते रहिए, हौसला अफजाई करते रहिए। मुझे एहसास है हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं समय से, मगर मेरी दुश्वारी के लिए एक शेर आपके पेश करता हूँ। वक्त किस तरह गुजरता है अंदाजा लगा, वक्त किस तरह गुजरता है अंदाजा लगा, अपनी मुट्ठी में जरा देर को बालू रख ले। तो ऐसी सुंदर कविताएं सुनते सुनते समय कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अब हमारे मित्र नीरज मेहता जी को। नीरज मेहता जी जो हैं हमारे साथ ड्रामाटिक में जुड़े हुए हैं और इनकी भी प्रतिभाओं के कई आयाम हैं जिसके बारे में बताना चाहूंगा। कविताओं की प्रस्तुति के अलावा अभिनय, उसके अलावा सिनेमा और दूसरी नृत्य, ऐसी ललित कलाओं के साथ नीरज जी बहुत समय से जुड़े हुए हैं। आज सौभाग्य है वो हमारे साथ हैं और उनकी ये जो प्रस्तुति है आपको बहुत भाएगी। मैं बताकर उनका विषय आप लोगों का मजा किरकिरा नहीं करना चाहता, तो नीरज जी आइए और प्रस्तुत कीजिए अपनी रचना। शुक्रिया अनुराग जी और नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले इस वर्चुअल मंच के लिए ड्रामा टेक का आभार और सभी फेसबुक के व्यूअर्स और श्रोतागणों का और सहभागियों का भी आभार प्रोत्साहन के लिए। तो भारत के पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने एक महाकाव्य रश्मि रथी रचा था जिसमें उन्होंने महाभारत को कर्ण की आंखों से देखा है। उसका एक प्रसंग जब कृष्ण, भगवान कृष्ण दुर्योधन की सभा में अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं वो बहुत लोकप्रिय है। आज हम सुनेंगे उसके बाद क्या हुआ। तो रश्मि रथी से तृतीय सर्ग और तीसरा भाग। भगवान सभा को छोड़ चले करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चले उसे अपने रथ पर। नहीं कितना कुछ कहा मैंने, विश्व व्यंग कहां तक सहा मैंने, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती का मरण केवल। सोचो क्या दृश्य विकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्षण विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहां मान इतना मेरा। चल होकर संघ अभी मेरे है, जहां पांच भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे।
क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में पाएंगे। खोए मणि को पा जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास ही रुक जाएगा, कुरुराज झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया जो कुछ अपने आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन यह सोचा करता हूं, कैसी होगी वह मां कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धराती है अथवा जीवित दफनाती है। पत्थर समान उसका हित होगा, सूत से समाज बढ़कर प्रिय होगा, गोदी में आग लगा करके, मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। पाप पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है? सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ, कुंती क्या चाहती है, मेरा सुख या पांडव की जय? यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, यह परिवर्तन क्या है? हे कृष्ण, जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन, देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सौदर भ्राता से है, राजा रंग से बना दिया, यश मान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया, अब जब विपत्ति आने को है, घंघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक, सब लोग कहेंगे डरकर ही अर्जुन ने अद्भुत नीति गही, चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया, कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा, तप त्यागशील जप योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान, लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। धर्माधिराज का जयेष्ठ बनो, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनो, कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलो कुछ तन के, इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव, यह सुयश सुयश क्या है। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एकमात्र धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छा गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा, जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा।
सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुरुराज ताज। दुर्योधन का संग्राम रहा, लड़ना बस लड़ना भर मेरा काम रहा। मुझको कही कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प आहास, कुछ चाक चिक्य कुछ क्षण विलास। पर वह भी यहीं गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रत्न लुटाने को। जग से ना कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के घी होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कभी कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए। जैसे हो इसे दबा रहिए, वे इसे जान यदि पाएंगे सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को जा दे आऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छुट वे पाएंगे। अच्छा अब मैं चला, प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होगा, शर से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर शतबार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बिल्कुल हम लोग सब भाव विभोर होकर सुन रहे थे। नीरज भाई बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति, एक महाकाव्य की भारतीय संस्कृति और हिंदी साहित्य का एक जैसे मील का पत्थर कहते हैं रश्मि रथी, आप उसकी प्रस्तुति के लिए। इसके बारे में दो बातें कहना चाहूंगा। ये ग्रंथ इतना वृहद और इतना वरिष्ठ है भारतीय साहित्य में, इसके बारे में नीरज जी ने कहा था, उनके बारे में दिनकर जी के बारे में, संतों ने गीत सुना मन में सोचने लगे। ये गीत है या कि कोई नवयुग की गीता है शब्द शब्द उपनिषद और श्रुति तान तान, दर्शन तो जैसे उज्जवल गंग पुनीता है। तो आप पढ़िएगा रश्मि रथी, बहुत बहुत सुंदर कविता है। दूसरा, प्रस्तुति के लिए, नाटकीय प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई। हम लोग अपनी प्रस्तुतियों में इसी तरह की करते हैं। और मैं एक मिनट लेकर आपको बताना चाहूंगा कि 23 तारीख को हम गिरीश कर्नाड जी के नाटकों के बारे में बात कर रहे हैं ऐसे ही वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। उसमें उनके 3 नाटकों के अंश प्रस्तुत करेंगे हम, हैवदन, तुगलक और शादी के एल्बम के बारे में। तो इसलिए मैं चाहूंगा आप लोग जरूर उसको उसका बहुत आनंद उठाएंगे, जरूर हमारे साथ सम्मिलित होइएगा उसके लिए। इसके साथ मैं वापस चलता हूँ हमारी कविताओं की ओर। हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ और कई वरिष्ठ कवि जुड़े हुए हैं। मैं आमंत्रित करूंगा अजीत पंत जी को। अजीत पंत जी वैसे तो शिकागो के निवासी हैं, पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और विदेश सेवा के साथ कई समय से जुड़े हुए हैं, शिकागो में कई समय से रह रहे हैं और विश्व भर में कई देशों में रह चुके हैं, अमेरिका में, रशिया में और कई जगह। वो शिकागो में जो यूएस इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स मिडवेस्ट के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और यूपी एसोसिएशन ऑफ शिकागो के अध्यक्ष रहे हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं, उनकी रुचियां हैं यात्रा करना, लिखना और कविताएं लिखना। अजीत जी अभी भारत में हैं, तो आप इतनी सुबह उठ के हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद, स्वागत करता हूं अजीत जी का। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपकी टीम का, प्रदीप तो विद्या, एंड आई ऑल्सो मैं शुक्रिया करना चाहता हूं अमित कुमार जी का जो कि इस वक्त प्रेजेंट हैं हमारे बीच। ये डिजिटल सम्मेलन इतना सक्सेसफुल होगा मैंने कल्पना नहीं की थी। दिस इज ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो आई एम सो थैंकफुल फॉर यू ऑल एंड राकेश मल्होत्रा टू इनवाइट मी फॉर दिस। तो मैं शुरू करूंगा, जिंदगी के बारे में काफ़ी जिक्र हुआ है, तो मेरी एक दो मिसिव्स हैं जिंदगी के बारे में, बहुत छोटी, शायद आपको पसंद आए, कि जिंदगी आसान नहीं होती, जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। आजकल के माहौल में जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अपने लिए कभी अंदाज से कभी नजरअंदाज से। और इसी तरह है कि हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। तो सब मैं अभी बहुत अच्छी शायरी हुई है तो मुझे भी कुछ पुरानी शायरी याद आ गई, और मैं थोड़ी सी सप्लीमेंट करना चाहूँगा। ताजमहल पे साहिर साहब का बहुत अच्छा वो पढ़ा गया, उसमें एक उनका मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो डिस्क्रिप्शन है ताजमहल का एंड इट्स सराउंडिंग्स का, कि ये चमनजार अजीत जी आपका ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा या फ्रीज हो गया है, भारत में है, एक बार पुनः कोशिश करें प्लीज। मुझे लगता है अजीत जी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, तो सुनाई नहीं दे रहा है। मैं चाहूँगा कि इस वक्त में हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, मैं उनको फिर से जैसे ही ज्वाइन कर लेंगे फिर से दावत दूंगा। पर इस वक्त एक हमारे साथ और शख्सियत जुड़ी हुई हैं, नूपुर गोविला जी, जो भी शिकागो की एक अजीम शख्सियत हैं, कई सालों से यहाँ रह रही हैं, 20 सालों से, और उनके भी फनकारी के अलग अलग रूप हैं, वो लिखती हैं, पेंट करती हैं और शायरी लिखती हैं हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में। हालांकि पेशे से वो बैंकिंग से जुड़ी हुई हैं, पर उनकी क्रिएटिविटी और पैशन के लिए उन्होंने खुद उर्दू सीखकर अब पोइट्री लिखना शुरू की है, शिकागो में कई वर्षों से रहती हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं नूपुर जी को अपनी कविता सुनाने के लिए, और जैसे ही अजीत जी ज्वाइन कर लेंगे हम उनको उनके पास वापस लौट चलेंगे। नूपुर जी नमस्कार सब लोगों का, और थैंक यू ड्रामा टेक और अनुराग जी ये मौका दिया आपने। इंडिया से आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कुछ नज़्म सुनाऊंगी, आज़ाद नज़्म है, और कोशिश ये है कि इस माहौल के लिए के हिसाब से हूँ। तो पहली नज़्म है, छोटी सी है एकदम, इसका नाम है ख्वाब। कल तक जो पूरा था आज वो चांद कुछ घट गया है, रात की स्याही से घबरा कर शायद खुद ही में सिमट गया है। दूर किसी दरख्त पर जो परिंदा दर्द का नज़्म गा रहा है, वो एक चकोर है शायद,
वो एक चकोर है शायद जिसका इतिहाद पर एतबार मिट गया है। अर्श पर जो धुंधली सी परछाई है वो अब्र का टुकड़ा नहीं, मेरा तुमसे मिलने का ख्वाब है जिसे बेखबर हवाएं उड़ा ले गई हैं। आवारा सा उड़ता हुआ जो तुम्हें मिले, आवारा सा उड़ता हुआ जो तुम्हें मिले तो कुछ देर सिरहाने तले रख लेना। नानी कहती थी, नानी कहती थी ख्वाबों के भी दिल होते हैं, उन्हें यूं लावारिस नहीं छोड़ा करते, उन्हें यूं लावारिस नहीं छोड़ा करते। अगली नज़्म है इसका कोई शीर्षक नहीं है। कल रात शमा से पूछा यूं है, कल रात शमा से पूछा यूं है किसकी चाहत कि जिसमें जलती हो तुम, कभी साहिब को देखा भी नहीं फिर भी रात पार करती हो तुम, अंधेरे के दामन में छुपी हुई किस उम्मीद को बहलाती हो तुम, अंधेरे के दामन में छुपी हुई किस उम्मीद को बहलाती हो तुम, जबकि है सिर्फ साथ सिर्फ तन्हाई फिर भी नाचती रहती हो तुम। कच्चे से धागे से बंधी हुई, कच्चे से धागे से बंधी हुई किसके इश्क में तबाह होती हो तुम, जबकि मिली है सिर्फ बेवफाई फिर भी यूं लगन लगाती हो तुम, मिली है सिर्फ तन बेवफाई फिर भी यूं लगन लगाती हो तुम। मोहब्बत का हक अदा करती हूँ कभी यूं ही सहम जाती हो तुम, आंधी जो आगोश में भर ले वफा की मिसाल कहलाती हो तुम। आज क्यों तुमसे मिलकर लगा, आज क्यों तुमसे मिलकर लगा यूं ही कि जैसे जुनून की हो पहचान तुम, मेरे जानिब भी हो ऐसी आशिकी, मेरे जानिब भी हो एक ऐसी आशिकी फना हो जिस पर जैसे होती हो। एक और अगली वाली है, अगली नज़्म है, इसका नाम है इल्तजा। वक्त के दौर गुजर जाते हैं, वक्त के दौर गुजर जाते हैं, जिंदगी दायरों में बंध जाती है, आरजुएं भी भटकती हुई थक कर कहीं छुप जाती हैं, बस कदम बढ़ते रहते हैं, बस कदम बढ़ते रहते हैं, कुछ धूल समेटते हैं कुछ निशान मिटाते हैं, किसी बेमौसम की बारिश में उड़ते हुए आवारा ख्वाब आ जाते हैं, किसी बेमौसम की बारिश में उड़ते हुए आवारा ख्वाब आ जाते हैं और जहन में एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस दिल में क्या ऐसे अरमान थे, क्या कभी ये भी मुमकिन हो सकते थे, बचपन के घर के किसी कोने में, आजकल मैं अपने बचपन के घर में हूँ, बचपन के घर के किसी कोने में उन पुराने पैराहन और खिलौनों में अब भी वो मासूमियत देख पाते हैं, अब भी वो मासूमियत देख पाते हैं किरद के बोझ तले जिसे रोज निसार करते हैं, शम्स की आफताबी से मुंह फेर लेते हैं। ये आजकल के वातावरण में बहुत वो वाजिफ है, जिसे शम्स की आफताबी से रुख फेर लेते हैं, चिलमनों में कैद दिन गुजारते हैं, महताब की रोशनी के नज़्म लिखते हैं, खुद को अलीम समझते हैं, महताब की रोशनी की नज़्म लिखते हैं, खुद को अलीम समझते हैं, पर सिर्फ आगह मस्ती तो हैं, मुकद्दर से अब कोई इल्तजा नहीं, मुकद्दर से अब कोई इल्तजा नहीं, बस वक्त से है गुजारिश यही, रुखसत से पहले दे जाए एक ऐसी आशिकी, रुखसत से पहले दे जाए एक ऐसी आशिकी, रूह में जाग उठे फिर एक बार तश्नगी, फिर चाहे ना हो ता उम्र चाहत हो, फिर चाहे ना हो ता उम्र चाहत हो। ये आखिरी नज़्म है, परवाज है इसका नाम। महताब को अब्र से ढक कर हर शिहाब को फूंक कर, महताब को अब्र से ढक कर हर शिहाब को फूंक कर, तीरगी की ओट लेकर एक शब्द दिल से उसे लगाकर, देर तक जिंदगी से मिला किए, गुरबतों का बोझ उठाकर पैमानों से धोखा खाकर, रास्तों से नक्शे पा मिटाकर, तू चलती है क्या आस लेकर शमा अज़ल की रोशन की, जमाने के दस्तूर तोड़कर, जमाने के दस्तूर तोड़कर अपनी कुछ शर्तें रखकर, अपनी कुछ शर्तें रखकर सारी गिरहें तोड़कर, सभी हदों को किनारे कर एक दिन तो जीले खुद अपने लिए, एक दिन तो जीले खुद अपने लिए, सब शिकवों को भुलाकर हर जख्म को ढककर, हर रंजिश को दफनाकर,
सब शिकवों को भुलाकर, हर जख्म को ढककर, सब रंजिश को दफनाकर, दूर के सभी सिरे छोड़कर सजा ली दुनिया ने अपने। थैंक यू एंड दैट इज ऑल फ्रॉम मी। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। वंस अगेन बहुत बहुत खूबसूरत नूपुर जी, आशा है आप स्वस्थ आनंद और सुरक्षित होंगी भारत में। बहुत अच्छा लगा आपका अंदाज़े बयान, एक शेर नज़र कर रहा हूँ आपकी, जो हो सके तो जुनून सफ़र की बात करो, जो हो सके तो जुनून सफ़र की बात करो, है कितनी धूप में हिद्दत ये जिक्र रहने दो। बहुत खूबसूरत लगे आपके अल्फाज। और इसके साथ ही अजीत जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं, तो मैं फिर आमंत्रित करूंगा अजीत जी को। अजीत जी आप एक बार फिर अपनी कविता सुनाइए, आप बीच में रुक गए। मैं माफी चाहता हूं, मेरा कनेक्शन ड्रॉप हो गया पता नहीं कैसे, बट मैं अब जल्दी करूंगा क्योंकि आई हैव लिमिटेड टाइम। जी, किसी ने सवाल किया है कि भाई आप इतना करते हुए सब है पर आपको आता क्या है, आपको आता क्या है? तो है कि और कुछ आता हो या ना आता हो, और कुछ आता हो या ना आता हो, इतना तो जरूर आता है अपने गम को मिटाने का हुनर, अपने गम को मिटाने का हुनर इतना तो जरूर आता है। और आगे है कि आता हो ना आता हो, इतना तो जरूर आता है अपने सपनों को भुलाने का हुनर, इतना तो जरूर आता है। और फाइनली है कि और कुछ आता हो ना आता हो, और कुछ आता हो ना आता हो, इतना तो जरूर आता है अपने रिश्तों को निभाने का हुनर, अपने रिश्तों को निभाने का हुनर, इतना तो जरूर आता है। तो सब एक मैं वो शायरी की बात कर रहा था कि साकी की हर निगाह पे बलखात पी गया, अभी जिक्र हुआ है शायरी का, साकी की हर निगाह पे बलखा के पी गया, लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया, पीता बगैर इज्न यह कब थी मेरी मजाल, दर पर्दा चश्मे यार का शहबा के पी गया। तो दूसरे शायर ने इसी का जिक्र किया है, गम इस तरह बढ़े कि मैं घबरा के पी गया, गम इस तरह बढ़े कि मैं घबरा के पी गया, इस दिल की बेबसी पे, इस दिल की बेबसी पे तरस खा के पी गया, इस दिल की बेबसी पे तरस खा के पी गया, ठुकरा रहा था, गौर फरमाइएगा, ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहान, ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहान, मैं आज सब जहान को ठुकरा के पी गया, मैं आज सब जहान को ठुकरा के पी गया। तो एक छोटी सी वो है कि दाग दुनिया ने दिए, ये भोपाली साहब की है, दाग दुनिया ने दिए जख्म जमाने से मिले, दाग दुनिया ने दिए जख्म जमाने से मिले, हमको ये तोहफे तुम्हें दोस्त बनाने से मिले, हमको ये तोहफे तुम्हें दोस्त बनाने से मिले, हम तरसते ही तरसते ही तरसते ही रहे, हम तरसते ही तरसते ही तरसते ही रहे, वो फलाने से फलाने से फलाने से मिले। अरे क्या बात, वो फलाने से फलाने से फलाने से मिले। और ये देखिए होता है वेरी प्रैक्टिकल कि खुद ब खुद आके मिल जाते, खुद ब खुद आके मिल जाते तो चाहत का भरम रह जाता, खुद ब खुद आके मिल जाते तो चाहत का भरम रह जाता, और गैर लोगों ने मिलाया तो खुद ब खुद आके मिल जाते तो चाहत का भरम रह जाता, लोगों के मिलाए जो मिले तो क्या मिले, लोगों के मिलाए जो मिले तो क्या मिले। और है कैसे माने कि तू उसे भूल गया ए अजीज, कैसे माने कि तू उन्हें भूल गया ए अजीज, आज भी उनके खत तेरे सिरहाने से, तेरे सिरहाने से, तेरे सिरहाने से मिले। क्या बात। तो एक और है छोटी सी कि तेरे पास आने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है, नए जख्म खाने को जी चाहता है,
तेरे पास आने को जी चाहता है, नए जख्म खाने को जी चाहता है, इधर आए शायद वो मौजे तरन्नुम, इधर आए शायद वो मौजे तरन्नुम की गजल गुनगुनाने को जी चाहता है, गजल गुनगुनाने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है। जमाना मेरा आजमाया हुआ है, देखिए क्या है कि जमाना मेरा आजमाया हुआ है, तुझे आजमाने को जी चाहता है, तुझे आजमाने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है। वही बात रह रह के याद आ रही है, वही बात रह रह के याद आ रही है, जिसे भूल जाने को जी चाहता है, जिसे भूल जाने को जी चाहता है। एंड फाइनली है, लबों पे मेरे खेलता है तबस्सुम, लबों पे मेरे खेलता है तबस्सुम, जब आंसू बहाने को जी चाहता है, जब आंसू बहाने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस पंत साहब। अनुराग जी आप यू म्यूट हैं, आप वापस आइए। ओ माफ कीजिएगा, मैं शुक्रगुजार हूँ अजीत जी का, बहुत सुंदर आपका अंदाज़े बयान और शायरी, बहुत अच्छा लगा। मैं अब आमंत्रित करूँगा हमारे शिकागो में मयंका पाठक जी को। मयंका पाठक जी जो हैं यहाँ शिकागो में, वैसे पेशे से तो आईटी इंजीनियर हैं, पर हिंदी उर्दू की कविताओं और कहानियों से बहुत जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा मयंका जी एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल ग्रेड फोटोग्राफर हैं और रेडियो देसी जंक्शन में एक रेडियो जॉकी भी हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं मयंका पाठक जी को। धन्यवाद अनुराग जी, और आप सभी लोगों को धन्यवाद जो एक बहुत ही खूबसूरत शाम में मुझे शामिल होने का मौका मिला। मैं इतने बड़े बड़े कवियों, इतने बड़े बड़े लोगों के सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ, फिर भी कोशिश करूंगी कि जैसी अच्छी कविताएं आपने सुनाई हैं, मैं भी उस लेवल तक पहुंच सकूं। तो मैं आज मेरे प्रिय कवि की रचना आप लोगों के सामने सुनाने जा रही हूं। उनका नाम है श्री कृष्ण सरल। वो जाने जाते हैं अपनी देशभक्ति की रचनाओं के लिए, और मैं जब स्कूल में थी तब मैंने उनकी काफ़ी कविताएं अपने स्कूल में बोली हैं, सुनाई हैं, और उनकी कविताएं मेरे दिल के बहुत करीब हैं, शायद यादें भी जुड़ी हुई हैं, और बहुत बहुत पहचाने हुए कवि शायद नहीं रहे वो, बट उनकी कविताएं काफ़ी काफ़ी खूबसूरत हैं। आशा करती हूँ कि मैं आप लोग इन्हें पसंद करेंगे। तो ये कविता है मैं अमर शहीदों का चारण। काफ़ी मिलती नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे भारत में कोरोना वायरस के लिए जो हमारे एसेंशियल वर्कर्स, जो हमारे डॉक्टर्स, पुलिस अधिकारी और जो लोग योगदान कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ इस कविता की कुछ पंक्तियाँ विशेष रूप से काफ़ी बैठती हैं, तो आप जस प्रस्तुत करती हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है, यह सच है हिंदुस्तान आज, यह सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से, यह सच अपना मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से। वे अगर न होते
वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। यह सच है दाग गुलामी के, यह सच है दाग गुलामी के, उनने लोहू से धोए हैं। यह सच है दाग गुलामी के, उनने लोहू से धोए हैं। हम लोग बीज बोते, उनने धरती में मस्तक बोए। हम लोग बीज बोते, उनने धरती में मस्तक बोए हैं। इस पीढ़ी में मैं उस पीढ़ी के भाव जगाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है उनके जीवन में, यह सच है उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई थी। जीवन की स्वप्निल निधियां भी उनने जीवन में पाई थी। पर माँ के आंसू लख उनने सब सरस फुहारें लौटा दी। कांटों के पथ का वरण किया, कांटों के पथ का वरण किया, रंगीन बहारें लौटा दी। उनने धरती की सेवा हित, उनने धरती की सेवा हित वादे न किए लंबे चौड़े। माँ के अर्चन हित फूल नहीं वे निज मस्तक लेकर दौड़े। भारत का खून नहीं पतला, भारत का खून नहीं पतला, वे खून बहा कर दिखा गए। जग के इतिहासों में अपनी गौरव गाथाएं लिखा गए। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। है अमर शहीदों की पूजा, है अमर शहीदों की पूजा, हर एक राष्ट्र की परंपरा है। उनसे है माँ की कोख धन्य, उनसे है माँ की कोख धन्य, उनको पाकर है धन्य धरा। गिरता है उनका रक्त जहां, गिरता है उनका रक्त जहां, वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। वे रक्त बीज अपने जैसों की नई फसल दे जाते हैं। इसलिए राष्ट्र कर्तव्य, इसलिए राष्ट्र कर्तव्य शहीदों का समुचित सम्मान करे। मस्तक देने वाले लोगों पर वह युग युग अभिमान करे। होता है ऐसा नहीं जहां, होता है ऐसा नहीं जहां, वह राष्ट्र नहीं टिक पाता है। आजादी खंडित हो जाती, सम्मान सभी बिक जाता है। आजादी खंडित हो जाती, सम्मान सभी बिक जाता है। यह धर्म कर्म यह मर्म, यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। पूजे न शहीद गए तो फिर यह पंथ कौन अपनाएगा, पूजे न शहीद गए तो फिर यह पंथ कौन अपनाएगा। तोपों के मुंह से कौन अकड़ कर अपनी छातियां अड़ाएगा। चूमेगा फंदे कौन, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पर खाएगा। अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। पूजे न शहीद गए तो फिर आजादी कौन बचाएगा, पूजे न शहीद गए तो फिर आजादी कौन बचाएगा। फिर कौन मौत की छाया में जीवन के रास रचाएगा। पूजे न शहीद गए तो फिर यह बीज कहां से आएगा, पूजे न शहीद गए तो फिर यह बीज कहां से आएगा। धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर यह प्रश्न उठाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ, मैं उसे चुकाया करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मयंका जी, बहुत आपको बोलने को, आपको अत्यंत सुंदर उद्गार इस समय में उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी प्राणों का उत्सर्ग करके आज हमें इस जगह तक पहुंचाया है। हम उनके हमेशा ऋणी आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और मैं अब बुलाना चाहूंगा अपने मित्र सुनील मुंडले को। सुनील मुंडले जी शिकागो में कई वर्ष से रह रहे हैं और कई सारी रचनात्मक गतिविधियों से बहुत जुड़े हुए हैं साथ में। उन्होंने हालांकि पेशे से वो एक वैज्ञानिक हैं, पर उसके साथ थिएटर और अभिनय से जुड़े हुए हैं। कई सारे उन्होंने नाटक लिखे भी हैं और कई सारे नाटकों में बहुत सुंदर अभिनय किया है। आज वो हमें अपनी कुछ नज़में सुनाएंगे, तो मैं बुलाना चाहता हूँ सुनील मुंडले जी को।
जी अनुराग जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब गुणीजनों के बीच आने का अवसर मिला, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया सबका, और हमारे दर्शकों का भी जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जैसे अनुराग जी ने बताया, आज दो नज़में आपके खिदमत में पेश करना चाहते हैं। पहली जो नज़म है वो एक नाउमीदियों से भरे दिल की आवाज़ है। अक्सर ऐसा होता है कि मुश्किलें बढ़ जाती हैं और दिल में खौफ सा बैठता है, क्या कुछ अनहोनी ना हो जाए उससे पहले हमारे सब फर्ज पूरे हो जाए, ऐसा एक डर रहता है। तो ऐसी कुछ एक ख्याल इस नज़म में है। इतना करम हो ऐ मेरे खुदा, मालिक मेरे ऐ रहनुमा, करू अर्जियां करू इल्तिजा, हर फर्ज मेरा हो पूरा। जिंदगी का हर वो सिरा, बस दस्तकों का है कारवां, हर शय जमी और आसमां, नहीं अपना कोई लगता यहाँ। फूल मेरी उम्मीदों का, बेबस बेनूर मुरझा गया, बांध लूँ सामा जिंदगी का, जब फर्ज मेरा हो पूरा। न था कभी कोई गुमा, न हुआ मगर कोई मेहरबा, अब न ख्वाहिश न कोई तमन्ना, फर्ज जिंदगी है फलसफा। नूरे मोहम्मद ए परवरदिगार, रही अमानत बस तेरा ही प्यार, चौखट का तेरी वो रास्ता, हो मेरे नसीब है तुम्हें मेरा वास्ता। इतना करम हो ऐ मेरे खुदा, मालिक मेरे ऐ रहनुमा। दूसरी नज़म जो है वो थोड़ी सी इससे अलग है, यानी कि उम्मीदों की नज़म है ये। अक्सर हम कुदरत को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं हमारे सामने, और उसमें कई सारी उम्मीद नाउम्मीदों का खेल भरे हैं, और हर रोज़ नाउम्मीदें भी होती हैं और उम्मीद भी होती है, कोई उम्मीद कहीं छुट्टी नहीं है। तो ऐसे ही एक हमारा एक हमने जो जमी के इस सफर में जो गौर फरमाया वो आपके सामने पेश करते हैं। आफताब फलक पे हो रहा है गुलाबी, सज रही है डोली जमी की, हल्की सी बिखरी है घटा सावली सी, किनारे आसमां की हो रही है रुपैरी, खुशियां बिखेरे अंगड़ाई हवा की, बाटे तितलियां खुशबू मदमाती, महकने लगी अब हर सांस भी, हलचल है कैसी दिल में अजीब सी, गाए कोयलियां या है आहट पिया की, छेड़े है कब से वो बदरी निगोड़ी, आए जो कहीं से वो पिया माहताबी, बिखरे फिजाओं में जन्नते चाहतों की, बारात तारों की है सौगात लाई, साजन संग सजी डोली में सवारी, सरगमों ने पिरोई दुआएं सभी की, आंख भर आई फलक पर बाबुल की, विदाई में उलझी और एक कहानी, चली अरसों से एक अजीब पहेली, सूरज की लाडली चांद की रागिनी, जमी भी कभी न उम्मीदों से हारी, तो हम क्यों उम्मीद हारे। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत खूब सुनील भाई, बहुत सुंदर विचार। मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग करीब आधा घंटा पीछे हैं, कार्यक्रम थोड़ा सा पीछे चल रहा है, पर अब हम करीब करीब अंत तक पहुँच गए हैं। आप लोगों की मेहरबानी से मैं आपकी तवज्जा चाहूंगा अपनी दो छोटी छोटी नज़में आपको सुनाने के लिए, तो पेश है। पहली नज़म का उन्वान है तेरी याद। ये तो सच है कि तू मुझे अब याद नहीं है, ये तो सच है कि तू मुझे अब याद नहीं है, जिंदगी थी जो तेरे साथ तेरे बाद नहीं है, चलती सांसों का सफर
तन्हा नहीं गुजरा यूं तो, चलती सांसों का सफर तन्हा नहीं गुजरा यूं तो, है भरी सी मेरी दुनिया मगर आबाद नहीं है। उठट जाती है नींद तेरी आहट से कई बार, उचट जाती है नींद तेरी आहट से कई बार, उम्मीद की मगर मेरी कोई बुनियाद नहीं है। है हसरतों का क्या इस धड़कते दिल में, है हसरतों का क्या इस धड़कते दिल में, कैसे कह दूं अब बाकी कोई मुराद नहीं है। और आखिरी शेर है इसका, काश मिल जाए तू फिर कहीं किसी मोड़ पर, काश मिल जाए तू फिर कहीं किसी मोड़ पर, लबों पर मेरे मगर कोई फरियाद नहीं है। तो ये एक दूसरी गजल जो है जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में है। आज के माहौल में फलसफा थोड़ा सा ऐसा रूहानी हो जाता है, तो ये पेश है जो हम सबका जो तसव्वुर है उसी में है। वक्त के साथ कितनों को गिरते संभलते देखा है, वक्त के साथ कितनों को गिरते संभलते देखा है, किस्मत ना सही पर इंसान को बदलते देखा है। थक के जहां बैठ गए हो के रह गए वहीं के हम, थक के जहां बैठ गए हो के रह गए वहीं के हम, घर की तलाश में लोगों को दिन रात चलते देखा है। सहरा की धूप में किसी साये की है तलाश बेकार, सहरा की धूप में किसी साये की है तलाश बेकार, हमने पैरों को चांदनी में भी जलते देखा है। इस पे तवज्जो चाहूंगा इस शेर पर, फतह शिकस्तों के हिसाब से क्या हासिल। हम जिंदगी भर फतह शिकस्त का हिसाब लगाते रहते हैं, फतह शिकस्तों के हिसाब से भी अब क्या हासिल, चढ़ते सूरत को जमाने से हर शाम ढलते देखा है। और इसका अनुमान है, इसका हसले गजल का शेर है, चंद सांसों का महज एक अफसाना है जिंदगी, चंद सांसों का महज एक अफसाना है जिंदगी, रेत के मानिंद हाथों से फिसलते देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं चाहूंगा आज के कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी कर्णधार हस्ती श्री रंजीत सिंह जी, जो हमारी हमेशा प्रेरणा रहे हैं, जिन्होंने हमें बहुत सारा प्रोत्साहन दिया है, और जो हिंदी समन्वय समिति शिकागो काउंसिलेट में के कन्वीनर हैं, उनकी प्रेरणा से हम सभी हिंदी उर्दू भाषी लोगों को, कविता आर्ट प्रेमी लोगों को, कला प्रेमी लोगों को, तो मैं रंजीत सिंह से कहूंगा कि आप दो शब्द कहें प्लीज। हाँ जी, सर्वप्रथम अनुराग जी और फेसबुक पे जुड़े सभी मित्रों और इस कवि सम्मेलन में शामिल सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया सत्र रहा। आप मेरी आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं सभी लोग? जी बिल्कुल। धन्यवाद। हाँ, पिछले साल शिकागो में हिंदी दिवस के अवसर पर काउंसुलेट में बहुत सी ऐसी संस्थाओं और कुछ ऐसे व्यक्तियों से परिचय हुआ जो हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना बहुत योगदान दे रहे हैं। फिर हमने काउंसुलेट में कुछ मंथन किया और सोचा कि क्यों ना इन संस्थाओं और जो ऐसी शख्सियतें हैं उनको एकजुट किया जाए। फिर राकेश मल्होत्रा जी, अनुराग मिश्र राज जी, गुरबचन जी और अनिका दुबे जी, और मंडी थिएटर से संबंधित अलका शर्मा जी, इनके सहयोग से हिंदी समन्वय समिति का गठन हुआ। राकेश मल्होत्रा जी इस समिति का बहुत ही बढ़िया संचालन कर रहे हैं। इस समन्वय समिति का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी भारतीय भाषाओं और संस्कृति का संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के बच्चों एवं युवाओं में संचार करना। मेरा ऐसा मानना है कि विदेशों में स्थित हर शहर में जहां भी भारतीयों की संख्या है, भारतीय मूल के लोग रहते हैं, वहां इस समिति का गठन होना चाहिए। तो जहां भी मैं गया हूं, मेरी यही कोशिश रही है।
हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं राकेश मल्होत्रा जी के जिनकी मार्गदर्शन में ये समिति जो समन्वय समिति है बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। आज की काव्य गोष्ठी हमारे से हमारे प्रयासों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। मैं अब क्योंकि बहुत समय हो गया है तो मैं ज्यादा आप लोगों जो जाने माने कवि हैं हमारे कुछ युवा कवि भी इसमें सम्मिलित हुए हैं वो बिशुदा की बिटिया थी या शिखा मेहता जी, ये बहुत ही उत्साहवर्धक है जब हम युवा लोगों को हिंदी से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो उम्मीद है कि हमारी जो समन्वय समिति है और बच्चों और युवाओं को हिंदी साहित्य से, हिंदी संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से, सहोदर भाषाओं से जोड़ने का काम करेगी। मैं थोड़ा सा हटते हुए जो हमारी भारतीय हमारा भारतीय संविधान है क्योंकि वो सभी भाषाओं को बराबर का की जगह देता है चाहे हिंदी हो उर्दू हो, तो मैं पंजाबी में दो एक शेर पढ़ने की अनुमति चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत है। हाँ जी, तो मैंने वो ऐसी शब्दावली वाले इसमें वो शेर चुने हैं जो जिनकी भाषा इजी है, हालांकि पंजाबी होते हुए भी वो हिंदी भाषी या उर्दू भाषी लोगों या जो और भाषाओं के लोग हैं उन वो शायद समझ सकेंगे। कहते हैं, जिंदगी दो चार दिन दी कह के दिल छोटा ना कर, जिंदगी दो चार दिन दी कह के दिल छोटा ना कर, युग पलट देंदी है केवल एक कड़ी एहसास दी, युग पलट देंदी है केवल एक कड़ी एहसास दी। मुखड़ा किसी हसीन दा इतना नहीं हसीन जितने हसीन कल्पना मेरी दे नैन ने, कितना हसीन जिंदगी मेरी दा दर्द है कुंगट दे उठदे ही मौसम बदल गया, कितना हसीन जिंदगी मेरी दा दर्द है कुंगट दे उठदे ही मौसम बदल गया। फिर एक और है, ये जो हमारा को एग्जिस्टेंस है कि फूल और कांटे कैसे को एग्जिस्टेंस में रहते हैं, जन्म जन्म तो फूल ते कंडे कितने अजब पड़ोसी ने, जन्म जन्म तो फूल ते कंडे कितने अजब पड़ोसी ने, पर इना विच बंदियां वांगू ना झगड़ाए ना साड़ाए। फिर एक और दो एक शेर और मैं कह के फिर समाप्ति करूंगा। मोहब्बत विच कियामत नू कदे कोई थां नहीं मिलती, मोहब्बत विच कियामत नू कदे कोई थां नहीं मिलती, मोहब्बत करन वाले खुद कियामत खोज होंदे ने। फिर आज शराब की बात चल रही थी तो मैं शराब के ऊपर ये बोलना चाहूंगा, पी के शराब शोक दी मिट्टी ना बाल तू, बाल कहते हैं जलाने को, किस चीज को जलाया जाता है, तो कहते हैं पी के शराब शोक दी मिट्टी ना बाल तू, जे पीण दा शोक है ता दुखियां दा दर्द पी, जे पीण दा शोक है ता दुखियां दा दर्द पी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत सुंदर रंजीत जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर उद्गार, और आपका धन्यवाद, आपका और अमित जी का इस कार्यक्रम की का सपोर्ट और सहायता के लिए, आपकी प्रेरणा के बिना इसे कर पाना बहुत कठिन था। आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन में शिकागो क्षेत्र की इतनी सारी प्रतिभाशाली शख्सियतों से हमारी मुलाकात हुई और देखते देखते आज ये 2.5 घंटे कैसे निकल गए समझ में ही नहीं आया। इस वातावरण में ये इतना सुंदर अनुभव हम सब के लिए मुहैया कराने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले कि मैं खुद आज शाम का कार्यक्रम समाप्ति की ओर ले जाऊं, मैं हमारे 3 लोगों को आपसे परिचित कराना चाहता हूं, ड्रामाटेक टीम के जो जो इस पर्दे के पीछे जिसे कहते हैं हमारी प्रस्तुतियों में
काम में लगे हुए हैं आप लोगों के साथ इसको स्मूथली आपके पास सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो मैं उन तीनों का आपसे परिचय कराना चाहूँगा। हमारे कमांड सेंटर ऑपरेटर हैं श्री प्रदीप्त भट्टाचार्य। प्रदीप्त, प्लीज अपना अनम्यूट करके बताइए। नमस्कार, आप सब आए और मुझे ये मौका मिला कि ये कमांड सेंटर में सीखूं एंड चलाऊं एक साथ। And I'm so glad that I'm with you. And Anurag ji has been my guru. He has directed me in some of my dramas. And every time I meet with him and the dramatic team, I learn. So today also I learned a lot. बहुत कुछ सीखा है मैंने आप लोगों से. And I have enjoyed this evening the best I could ever imagine. थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप। तो दूसरे हमारे कर्णधार आज के हैं श्री प्रणिल वैद्य, जो प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर थे आज। आपने जितनी स्लाइड्स वीडियोस वगैरह देखे ये प्रणिल जी के काम के हैं। तो प्रणिल प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके हम सबसे बात कीजिए। हमारे दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद हमारे सब दर्शकों को जिन्होंने अभी तक का 2.5 घंटा बैठ के ये सब कार्यक्रम देखा और हमारा जो ये सब प्रयास था उसका सराहना रिएक्शन सब हम देख रहे हैं वो चालू रखा। अभी आपको ये प्रयास अच्छा लगा रहेगा तो हमारा फेसबुक पेज है ड्रामाटिक का, वो पेज को लाइक कीजिए। हमारा नेक्स्ट मंथ में और एक प्रोग्राम आ रहा है अभी स्टेलर थेस्पियन सीरीज में, वो आपको फेसबुक पेज से ही मिलेगा। और आपको ऐसे ही दर्जेदार प्रोग्राम आज से आगे हर महीने में देखने का मौका मिलेगा, तो हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणिल, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आज की तीसरी कर्णधार हैं श्रीमती विद्या जोशी, जो आप सब लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं। उन्होंने बहुत सुचारू रूप से इस कार्यक्रम के संचालन में मेरी मदद की है, बल्कि उनका उत्तरदायित्व इससे मुझसे कहीं ज्यादा है। तो विद्या जी प्लीज आप कुछ कहिए। थैंक यू अनुराग जी, और सर्वप्रथम मैं आप सबकी यहाँ उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी। और आई थिंक आई हैव नॉट बॉदर्ड यू विथ माय टेक्स्ट मैसेजेस, सो और मुझे यकीन है कि हम सब जल्द ही ऐसे बेहतरीन प्रोग्राम में मिलेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या जी। और जब मैं कार्यक्रम के समापन की ओर आ रहा हूँ, हम लोगों ने जब ये कार्यक्रम प्रस्तुत करने का विचार बनाया था, कुछ लोगों से बात की, जो अपूर्व प्रोत्साहन मिला मुझे सबकी तरफ से, रंजीत जी की तरफ से, राकेश जी की तरफ से, ड्रामाटिक के सारे लोगों के की टीम की तरफ से, गुरुबचन जी की तरफ से, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम लोग ये कार्यक्रम आप तक लाते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा ये हमारा पेशा नहीं है, पर we do it for the labor of love। और मुझे लगता है ये हम लोगों के लिए भी एक बहुत बहुत सुंदर एहसास है। और हमारा ये कमिटमेंट है कि हम ये आपकी तरफ और प्रोग्राम लाएं। जैसा मैंने आपसे कहा, 23 मई को हम दोपहर को 4 से 6 बजे तक श्री गिरीश कर्नाड के बारे में चर्चा करेंगे और उनके 3 नाटकों के अंश प्रस्तुत करेंगे। इसी तरह जरूर ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़िएगा। उसके अलावा भी ड्रामाटिक यूएसए के फेसबुक पेज पर हमारे और सारे अगले कार्यक्रमों की जानकारी आपको मिलेगी। हमारा उद्देश्य है शिकागो के एरिया के जो प्रतिभाशाली रचनात्मक लोग हैं, जो एक साथ जुड़ें, साथ में काम करें और अपनी नई रचना और अभिव्यक्ति के लिए उनको एक अवसर मिले। तो आप सबका जो सपोर्ट है हमारे लिए बहुत ज्यादा है। मैं अपना आज का कार्यक्रम एक शेर के साथ खत्म करना चाहूंगा। ये शेर श्री जावेद अख्तर जी का है और ये जुनून के बारे में है। उन्होंने कहा है, तू गलत न समझे तो मैं कहूं तेरा शुक्रिया कि दिया सुकून, तू गलत न समझे तो मैं कहूं तेरा शुक्रिया कि दिया सुकून,
जो बढ़े तो बढ़ के बने जुनू, जो बढ़े तो बढ़ के बने जुनू, वो खलिश भी मुझे जरूर दे। तो ये खलिश हम सब में बनी रहे, साथ मिलते रहें ऐसे ही महफिलें, और आप लोगों के साथ सुनने सुनाने का अवसर मिले हमें आगे, कुछ अपनी कहें कुछ आपकी सुने, बस ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे पास और बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आपके लोग मित्रों में बताइएगा ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, जो लिखना चाहते हैं लिखने पढ़ने में रुचि रखते हैं हम उन्हें भी जोड़ना चाहेंगे। मुझे लगता है कि अब हमारे पास इतने लोग हैं कि 3 या 4 हफ्तों में ऐसा एक और पूरा नया कार्यक्रम नए पार्टिसिपेंट्स के साथ किया जा सकेगा। तो ध्यान रखिएगा और हमें अपनी रिएक्शंस के बारे में बताइएगा फेसबुक पेज पर, ईमेल पे, व्हाट्सएप पर। आप सबका मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक बहुत खलूस और बहुत खूबसूरत शाम हमारे साथ बिताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आशा है आप सब स्वस्थ आनंद और सुरक्षित रहेंगे अपने अपने घरों में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि, शब खैर।